शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पिछली मीटिंग में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसी तरह मेरी पार्टी जीतने के बाद
इस बार फिर से आपके सभी लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। मैं हूं ना, अभी तक आया क्यों नहीं? आ रहे, ऑन द वे है, ऑन द वे है। ठीक है, अपना अपना सवाल पूछिए। पानी का प्रॉब्लम किस किस को है? आपको है, आपको भी, आपको भी, आपको भी। एक काम करो, इन लोगों को पानी पिलवा दो। सर, ये पानी पीने की बात नहीं कह रहे, ये कह रहे कि इनके घर में पानी का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो तो सॉल्व हो जाए, वो सॉल्व हो जाएगा। तू यू प्रॉब्लम सॉल्व करना, अभी तक आया क्यों नहीं? बोलो, व्हाट्सएप आए सर, अभी आ रहे, बस ऑन द वे है, अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब ज्यादा लेट हुआ ना तो मैं तुझे मुरली अंदर जा, मैं आता हूँ। बैठिए, ये देखिए नेताजी। अरे वहाँ नहीं, यहाँ देखिए, आपके कितने बड़े फैन हैं, सारा दिन आपके कॉलम पढ़ते रहते हैं। हाँ, अरे आप कमाल हो यार। अरे शर्मा जी, अरे सर नमस्ते। शर्मा जी, बैठिए। बड़ी देर कर दी आपने, मेहरबान आते आते। हम जैसे वीआईपी को इस तरह से अगर आप तड़पाओगे तो आम लोगों का क्या होगा? थोड़ा तो इंतजार बनता है ना सर। मैं शर्मा जी को बता रहा था कि आप कितने बड़े फैन हैं, उन्हीं का कॉलम पढ़ते हैं हमेशा। बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका मैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पिछली बार आपने जो नुस्खा बताया था ना, उससे बहुत नुकसान हुआ पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। सॉरी। चार छुआरे दूध के साथ, सात दिन तक आपने रोज खाए थे? खाए थे, हमने तो खिलाए थे। मुरली ने तो कहा था कि खाना मत खिलाना, मैंने इसे खिला दिया। नहीं नहीं, वो आपको खाने थे। नहीं, मैंने नहीं खाया। जब सामने वाली पार्टी रोज सात दिन तक छुआरे खाएगी दूध के साथ तो भारी पड़ेगी ना आपके ऊपर। तभी मैं सोचू कि ये आग एक ही तरफ क्यों लगी हुई है। सर अभी आप फिकर मत करिए, शर्मा जी आ गए ना। अब आप रात भर जागेंगे, वो भी उल्लू की तरह। अब आप ढेर लगाएंगे। चार छुआरे दूध के साथ सात दिन तक, सुबह और शाम लीजिए। बहुत नॉर्मल सी बात है, चार चार छुआरे सुबह और शाम। डोज डबल कर दिया आपने? डबल कर दिया। तो वो देखना आप, बहुत फर्क पड़ेगा। आठवें दिन मिलते हैं, देखिए आप फिर क्या रिजल्ट निकलता है। जी बिल्कुल। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए तो। घर जाना है। घर जाना है? क्यों, इतनी जल्दी क्या है भाई? अभी अभी नई नई शादी हुई है शर्मा जी की, सालभरी तो है। अच्छा। बहुत खूबसूरत भाभी लाए हैं शर्मा जी। मतलब कुछ नहीं। तभी मैं सोचूं कि ये छुआरे कहाँ से आ रहे हैं भाई। चलते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ शर्मा जी, आपने अपनी लाइफ में आप जो रंगीनियां लाए हैं इस उम्र में, वैसे हमारी लाइफ भी रंगीन बना दीजिए डॉक्टर साहब। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको मैं कितनी बार समझाऊं। आई एम सॉरी, गलती हो गई यार। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। रुकिए तो सही, बाहर का गेट पर जाके खड़े रहेंगे। आपका काम हो गया ना, बढ़िया, मुबारक हो। कहाँ जा रहे हो? सर वो मेरा अहमदाबाद वाला। क्या अहमदाबाद वाला? वो अपना प्लॉट। कौन सा प्लॉट? अरे वो तुम शर्मा जी को लाते रहो, प्लॉटी प्लॉट है। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। वो एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो प्रोफेसर है, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर कांच ऊपर कर दीजिए। घुटन हो रही है मुझे। क्या जरूरत थी बत्रा को शोभा के बारे में बताने की? क्या मुरली, ये बात मुझे अच्छी लगती है। आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अभी तहसीलदार जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। तहसीलदार के यहाँ नहीं चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। अभी शोभा का फोन आया था, जरूरी काम है, घर जाना। ठीक है, आप अपना मूड ठीक करिए। आई एम सॉरी, आपके लिए कोई गाना लगाता हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। ये लीजिए, आ गया। अच्छा शर्मा जी, मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? अरे चलो, चाय ठंडा कुछ तो हो जाए। अरे क्या चाय ठंडा, अगर कुछ खिलाना ही है तो पिछली बार जो भरवे बैंगन खिलाए थे ना भाभी के हाथ के, वो खिलवाइएगा, बड़ा मजा आया था। शर्मा जी का बैंगन है, जो ऐसा खाना बने उसके हाथ चूमना बहुत जरूरी है। शर्मा जी क्या हुआ? हाँ कभी भी खा लेना। थैंक यू शर्मा जी। अच्छा भाभी को बोलिएगा मैं याद कर रहा था। मैं बोलता हूँ। याद से बोलिएगा। मैं याद से बोलता हूँ। और भरवे बैंगन याद रखना।
हाँ जी अंकल जी, अरे अरे कहाँ चले आ रहे हैं भाई, कौन है, किससे मिलना है? अरे गोल्डी कौन है? अरे अंदर घुसने की जल्दी में है और बता नहीं रहे कि कौन लेकिन है कौन? तेरे जीजा जी है ये। जीजा जी, लेकिन ये तो अंकल टाइप लग रहे हैं। चुप कर, जीजा जी है तेरे। ओह सॉरी, आई एम गोल्डी। हम शोभू के यार हैं बचपन के। कौन शोभू? अरे शोभू आपकी वाइफ। मैं अंदर आऊं? हाँ जी, आइए ना, आप ही का घर। मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है, मॉडल है, यहाँ मॉडलिंग करने आया है। यहाँ मॉडलिंग करने आया है? चुप रहो। गुड जॉब, आप भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली शोभू की शादी में मैं लंदन में था शूट पर, इसलिए नहीं आ पाया, तो सोचा कि शोभू को आके यहाँ पे सॉरी बोल दूँ। वैसे आपकी शोभू हमारे साथ बचपन में बहुत खेली है और अब आपके साथ खेल रही है। आई मीन तुम डबल मीनिंग मॉडलिंग करते हो? अरे अरे इसे मजाक करने की बहुत आदत है, बचपन में इसी वजह से बहुत मार खाई है इसने। क्यों गोल्डी, और तुम्हें लेट नहीं हो रहा? पिछले चार घंटे से बोल रहा है जाना है जाना है। हाँ हाँ बस चार घंटे से, मतलब मैं गया और ये आया? हाँ हाँ शोभू ने यही टाइम दिया था मुझे। क्यों शोभू? मेरे पीछे से। आप जब जाते हो तभी तो मैं फ्री होती हूँ। एनीवेज अब आप आ गए हैं तो आपका टाइम शुरू होता है अब। क्यों शोभू? बाय शोभू। बाय बाय। ये कुछ छिछोरा नहीं है? मॉडर्न है। मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं अपने नाम करवा रहा? सर नमस्ते। ओ, ओ, आ भाई मुरली आ, तेरी मुरली तो पूरे शहर में बज रही है भाई। अरे सर सब आप लोगों का आशीर्वाद है, वरना हम तो छोटा मोटा पेपर चलाते हैं सर, झुंझुना। झुंझुना ने तो हमारा झुंझुना बजा रखा है। एक मिनट सर, मैं कुछ समझा नहीं। भाई बत्रा साहब का तीन दिन से फोन आ रहा है, उन्होंने कहा है सरकारी कोटे में से ना एक प्लॉट अलॉट कर दो इसको शहर के बीचों बीच। तुमने इतना खुश जो कर दिया है उनको। बोलो। अरे सर आप हंसना बंद करेंगे तो बोलूंगा ना सर। हाँ बोलो। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, खुश तो हम आपको भी कर देंगे। आप बताइए आपको मिठाई कब भिजवानी है? ना 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 मिठाई नहीं यार, मुझे ना शुगर हुई हुई है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस तुम एक काम करो, जैसे ही तुम्हारा प्लाट ओके हो जाता है ना, तुम शर्मा जी को मेरे पास भेज देना, जैसे तूने उनको बत्रा साहब को ट्रीटमेंट दी है ना, समझ रहे हो ना? सर, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये अपने शहर में बड़े बड़ों को ये प्रॉब्लम है सर, लेकिन आप तो कलेक्टर हैं। अरे आपको तो करेक्ट होना चाहिए और आपके पास तो अच्छा कलेक्शन भी होना चाहिए, ये कैसे हो गया? लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं शर्मा जी को भेजूंगा ना आपके पास कल। बस एक बात का ध्यान रखना। हाँ। ये जो ट्रीटमेंट वाली बात है ना, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे सर आप कमाल करते हैं, मैं प्रेस वाला हूँ, टेंशन क्यों लेते हैं आप? प्रेस वाला। वो कह रहा था कि वो तुम लोग बहुत खेल खेलते थे, क्या खेल खेलते थे? सारे खेल खेलते। सारे मतलब? छोड़ो ना, मुझे शर्म आती। शर्म आती क्या? एक मिनट शोभा। अरे शर्माती मतलब क्या शोभा? प्रणाम बाबूजी। अरे शोभा बिटिया कैसी हो? बढ़िया जी। अच्छा बेटा वो जरा दामाद जी से बात करनी थी, सो तो नहीं गए हैं? वो तो दो बजे से पहले सोते नहीं है, अभी बात कराती हूँ बाबूजी। क्या फोन पे तो बात करो, वो होल्ड पे बताना, तुम बात नहीं बताती पहले बात। अरे तो क्या शर्माती है मतलब? बाबूजी से बात करो। बाबूजी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। अरे दामाद जी ये शोभा आपके पास तो नहीं है? उसको जरा दूर कर दीजिए। गरम गरम दाल ले आओ थोड़ी। हाँ जी। हो तो है ना, लाती। बोलिए आप। हम ये पूछ रहे थे वो हमारे दोस्त है नथू, उनको शिलाजीत और छुहारे गरम दूध में दें या ठंडे दूध में? दो छुहारे दिया ना गरम दूध में। अच्छा ठीक है, तो शिलाजीत और छुहारे जो है वो गरम दूध के साथ। चलो भाई शोभा चाय पिला दो यार। हाँ जी पहले दूध तो ले लूं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप भैया? बस आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। अच्छा भाभी जी जी ये बताइए आपका नाम शोभा है ना? क्यों पूछ रहे हो? जो नुक्कड़ का सब्जी वाला है वो बोल रहा था इस इलाके की जो सबसे खूबसूरत महिला है उनका नाम मनोरमा है।
मैंने कहा नहीं नहीं, उनका नाम शोभा है, मैं रोज जाता हूँ उनके घर दूध देने के लिए। अरे शोभा, चाय वाय बनाओगी कि नहीं यार? वो देखिए भैया ने नाम लिया, यहीं से मैंने सुन लिया था। हाँ बनाती हूँ। हर जगह इतने टाइम पास करता है? नहीं भैया, ये तो भाभी जी का प्यार है, इसलिए दो चार बातें कर लेता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि तुम अपने कर्म से छोटे नहीं हो, अपनी हरकतों से छोटे हो। जो काम है वो करो और चलते बनो। क्या चलते बनो? जी गेट आउट, कल मिलते हैं। हाँ जी जी। क्या तुम भी? आप भी ना, इतने से बात के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो? ये लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं। आज ये है, कल पेपर वाला आएगा, परसों धोबी आएगा। बड़ा अच्छा नाम मतलब। चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है सर? पूरे शहर के क्राइम की रिपोर्ट तो मैंने रेडी कर ली है। हाँ। लेकिन कोई ऐड नहीं मिल पाया सर। अरे ऐड क्राइम पे थोड़ी मिलती है सर, सेक्स पे मिलती है। अपना डिपार्टमेंट बदलिए। अरे क्या चल रहा है? ऑनलाइन सर डिमांड काफी बढ़ गया शर्मा जी के आने से। अरे वाह शर्मा जी तो कमाल कर रहे हैं। सैम व्हाट्स द न्यूज? सर शर्मा जी के कॉलम ने धूम मचा दिया है सर। अरे वाह शर्मा जी, शर्मा जी। हाय रमेश। हेलो सर। हाय शर्मा जी के कॉलम के ऐड 4 हफ्ते तक फुल और 5वें हफ्ते की तरह हम पूरी तेजी से कर रहे हैं सर। फैंटास्टिक है रमेश, वेरी गुड। शर्मा जी, शर्मा जी, जिसको देखो शर्मा जी की जय जयकार कर रहा है। शर्मा जी ने ये कर दिया, शर्मा जी ने वो कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अरे सर आपने जो किया आप जानते नहीं है, धूम मच गई है पूरी मार्केट में। कैसे मतलब? और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब सैटरडे के साथ साथ संडे का भी कॉलम निकालूं। अगर संडे भी आएगा तो आपकी पेमेंट डबल हो जाएगी, है कि नहीं? और डबल पब्लिसिटी जरूर, खुशखबरी है कि नहीं? हाँ है ना। तो बस भाभी को फोन लगाइए, बैगन का भरता हो जाए इसी खुशखबरी में। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? वो बैंगन का भरता हो जाएगा। हाँ? बट नो ड्रिंक्स। ओके चलो चलो, नो ड्रिंक्स, क्योंकि भाभी के भरते में ही इतना नशा है कि खा के आदमी एकदम ताजा हो जाता है। हो जाए। ओके ओके। अरे रे रे, एक मिनट, सॉरी एक चीज भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कलेक्टर साहब का सुबह से 2 बार फोन आया। मोना तुमने बताया नहीं? मैं भी भूल गई शर्मा जी, वो कलेक्टर साहब का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि टाइम को कुछ इंक्रीज करना है, तो मैंने बोला कि शर्मा जी आएंगे और वो टाइम को इंक्रीज कर देंगे। तुमने प्रॉमिस कर दिया? हाँ। अरे सर जाना बहुत जरूरी है सर, 2 बार फोन आया, उनका कलेक्टर है वो। इन्होंने प्रॉमिस किया, इनको भेजो। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये जाएगी तो उनका टाइम वेस्ट करके आएगी सर। पहले आपको जाना पड़ेगा, जब आप इंक्रीज कर देंगे फिर इनका जाना बनता है। कैसी बात। हाँ भाई कितने हो गए? 21 हुआ है भैया। वाह भैया, बस अम्मा ने बोला था 21 से ऊपर मत जाना आज का पैकअप। तो दे रहे ना 21 रुपया है हमारा पैसा। ये बतलाओ हमने आज तक तुम्हें पैसे दिए? नहीं। अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे। भैया कुछ बोले आपकी तारीफ में? दिल से निकल रही है बोले। बोलो। आपको ना इतने मोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे। अबे चिंता की कोई बात नहीं, कीड़े पड़ने दे, सड़ेंगे तो कीड़े। अरे सुपर से भी ऊपर के नहीं है आप। भैया ये बित्ते भर का आदमी आपको नहीं बोल रहा है, मार दूं इसको मैं या तोड़ूं से क्या? हाँ। हाँ। क्या बोला तुमने? अच्छा लगा। लल्लन भैया एक बात बताओ, ये ना हमको बहुत कीड़े खिला रहा है, इसको सच में कुछ खिला के आ जाएं क्या? भैया कहो तो धोते से। नहीं 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 नहीं, बेचारा हमें आज तक खिला रहा है ना। उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए यार है। बहुत बड़ी बात बोल दी लल्लन भैया आपने। अरे बड़ी बात तो मैं अब बोलूंगा, लाइफ में हमारा तो एक ही उसूल है भैया, ना तो अपमान का डर ना सम्मान की चिंता, कर लो दुनिया मुट्ठी में। भैया ये बैंगन कैसे दिए? 30 रुपया किलो। और वो वाले? ये 35 रुपया किलो। क्या 5 रुपए महंगे? अरे वो लंबे है ना, आप ले लो, पैसे की कोई बात नहीं, पैसे तो हम दे देंगे। आप क्यों दोगे? आप मेरे भाई लगते हो। मैडम हम तो इस पूरे इलाके के भाई हैं,
आप तो बस देवर बोल दो वही काफी है, हम तो सब्जी घर तक छोड़ाएंगे, इस बार आपका घर भी देख लेंगे। आप एक काम कीजिए, एक 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे मैडम हम तो आपके लिए कान में पानी की बाल्टी लटका के भी ला सकते हैं। चार चार छुआरे सुबह और शाम। अच्छा जी, गरम दूध से लीजिए आप। अगर ठंडे दूध से लूंगा तो आप ठंडे हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ठंडा नहीं होना चाहता, मैं गर्म हुए पतीले में ही पीऊंगा उठा के। शर्मा जी, भाभी जी का फोन है, उठा लो। हाँ शोभा। मैं सब्जी मंडी आई हूँ। बैंगन ले लिया? बैंगन तो मैं ले लूंगी, लेकिन यहाँ एक सड़क छाप है, वो मुझे परेशान कर रहा है। आप कहाँ हो? मैं डीएम साहब के एक मीटिंग में हूँ। हाँ तो डीएम साहब को बोलिए कि आपकी बीवी को कोई छेड़ रहा है, उसको अंदर करवाते। तुम एक मिनट चुप रहोगी, बात करते हैं घर पे आके। चलो के बाय। लेकिन शर्मा जी। शर्मा जी, मैंने सुना है भाभी जी बड़ी जवान है अभी तक, भाई सुना है? आपको किसने बताया? वो मुरली है ना, उसने बताया भाई, कमाल मतलब। मैं आपके लिए दवाई भिजवाता हूँ, मुरली आके दे जाएगा। आओ चलो। अरे किसी दिन भाभी के हाथ के ना छोले पूरी खिलवाइएगा। छोले पूरी? वो तो चौक में मिलेगी, चौक में खिला दूंगा। बिरयानी? हाँ अरे बिरयानी आ गई, ये लो। जो जो है जल्दी जल्दी लेकर आइए आप। आपको तो थोड़ी बस, अगर कोई इतना बढ़िया खाना बनाता हो ना, उस इंसान के तो हाथ चूम लेने चाहिए, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हें तो भाने चाहिए बस। शर्मा जी आप बहुत लकी हैं, एक तो बीबी इतनी खूबसूरत, ऊपर से खाना इतना अच्छा बनाती, ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? अरे तुम बड़बड़ी करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? अरे खुद तो तारीफ करते नहीं हो, कोई और कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। ऐसे ही सड़े हुए रहते हैं हमेशा, इवन इन द ऑफिस। ये लो बाबू जी। अच्छा अंसल। बाबू जी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। अरे दमाजी शोभा तो बगल में नहीं है? हाँ है, बात करोगे? नहीं 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 नहीं, आपसे ही बात करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी जी जी। अरे आप करिए, हम बैंगन खा रहे हैं। भाभी सच में से बैंगन कभी नहीं खाए। आप खा नहीं रही भाभी, आप भी तो खाइए। आई एम ऑन डाइट। ओह डाइटिंग। जी बाबूजी बोलिए, अकेले में आ गया। वो जो लक्ष्मण है ना हमारा दोस्त, उसको आपके बताए नुस्खे से बहुत फायदा हुआ है। आप कहें तो 2 छुहारे उसके बढ़वा दें। जरूरत है तो बढ़वा दो, साथ में दूध भी बढ़वा दो। अच्छा ठीक है, बढ़वा देंगे। और ये सामने वाले को भी 2 छुहारे बढ़वा दें क्या? आप तो तेल का मचवा पे, सामने वाली पार्टी को भी दो अगर जरूरत है तो। ठीक है बढ़वा देते हैं, हैं? अच्छा रखता हूँ। आज रपट जाए तो हमें भाभी जी, कल आपके कारण मैं शर्त जीत गया। और जब भाजी वाले को पता चला कि आपका नाम मनोरमा नहीं शोभा है, तो उसके तो होश उड़ गए, पूरा पोपट बन गया और मेरा भी नाम हो गया। हो गई तेरी बड़बड़। हाँ क्या निकल यहाँ से? हाँ भाभी जी दिखाई नहीं दे रहे आज। आज भैया जी आए, बुरा लग रहा? नहीं नहीं, सुबह सुबह उनका दर्शन हो जाता था बस। आज भैया जी ने दर्शन दिए, अच्छी बात है। आशीर्वाद मिला? नहीं नहीं भैया, ऐसे ही बहुत है। मीठा है ना? हाँ बहुत मीठा। भाभी हम सुने रहे कि वो लल्लन तुमका छेड़े रहा। लल्लन नाम है उसका? हाँ छोटा सांड, कमीनों का भी कमीना। देखो कौन खड़ी है। कमीना दिख नहीं रहा आजकल। अरे नाम मत लीजिए, अभी नाम लेते ही आ जाएगा, पट्टी लीजिए। नाम लेते ही शैतान हाजिर, मर्चा कमीने। भाभी सब पैसा मत लियो, हमारे खाते में डाल दियो। अरे आपका खाता कौन सा सिर्फ खाता है? और वैसे ये भाभी कब से हो गई? अरे भाभी कल से बोल के गई ना, 1-5 मिनट को मैं आती, कल से भाभी इंतजार कर रहा हूँ आपका। तुम नहीं मानोगे ना? अरे मानने के लिए तो हम ऐसे भी मान जाए, ऐसे भी मान जाए, मनवा के तो दे दो, हम तो मानने के लिए तैयार बैठे। भाभी भाभी पैसा तो दीजिए। अरे पैसा हम दे देंगे, ये हाँ बोल के गई कि ना बोल के समझ नहीं आ रहा यार। गुड मॉर्निंग मुंडे। हाय हाय शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो, फ्रेश एकदम। एकदम फ्रेश। और फ्रेश होना चाहते हैं? क्या मतलब, कोई सवाल? अरे सर हमेशा सवाल थोड़ी पूछेंगे, कभी कभी जवाब भी देने जरूरी है। ये लीजिए आपका जवाब। खैर आपका तो जवाब ही नहीं। अरे एक बार चेक तो कर लीजिए कितने 0 हैं।
जैसे जैसे आपके कॉलम के लिए एड बढ़ते जा रहे हैं, आपके चेक में जीरो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। और भाभी जी कैसी हैं? शी इज वेल, शी इज गुड। एक सेकंड, फोन देख लीजिए आप। लो, शोभा का फोन। उन्हीं का फोन है? क्या बात है, आपसे ज्यादा जिएंगी। हाँ शोभा बोलो। वो लल्लन कमीने ने मुझे आज फिर से छेड़ दिया। अब अभी के भैया आ जाओ। तुम चुपचाप घर आ जाओ, समझे? मैं संभाल लूंगा, मैं बात कर लूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना है, आप अभी आ जाओ। इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ, आप घर जाओ। अभी मुरली होता ना तो सारा मार्केट बंद कर देता था। क्या कोई प्रॉब्लम? ऐसा होता है क्या? आपको जो करना है करो, मैं यहाँ रुक रही हूँ। मैं बात करूंगा, बस डांट दूंगा मैं उसको। बचन और थोड़ी बनाना बात कर, ठीक है? क्या हुआ शर्मा जी, कोई स्ट्रेस? नहीं नहीं, भाभी जी कुछ परेशान लग रही थी, कुछ थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी मुझे, हुआ क्या? अरे मार्केट गई होगी तो वो लवंगे होते हैं ना लड़के, किसी ने कमेंट पास कर दिया होगा, छेड़ दिया होगा। किसी ने छेड़ दिया? कोई बड़ा नहीं है। अरे क्या बड़ी बात नहीं है, भाभी को किसी ने छेड़ा और आप इतना कूली करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है? अरे ये तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप एक मिनट, गर्म होने की क्या जरूरत नहीं है शर्मा जी? नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या समझते हैं, मतलब क्या हम आपके हैं कौन? हाँ, तुम मेरे भाई हो भाई। हाँ, मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ, आप बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है भाभी को? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं। अरे भाभी को छेड़ दिया, आप मुझे बताइए किसने छेड़ा है? ऐसा कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं, पूरा मार्केट में आग लगा देंगे, मार्केट बंद करवा देंगे हम। अरे अरे झुंझुना पेपर के मालिक की भाभी को छेड़ा है उसने। हाँ तो हाँ, ये क्या बात हुई? आप वो लड़के लौंडे का नाम बताइए। शर्मा जी एक बात बता दूं, दिखने में भले गोविंदा हूँ लेकिन एक्शन सनी देओल से कम नहीं करता मैं। आप लौंडे का नाम बताइए मुझे। अरे लौंडे का नाम मतलब? आप बताइए क्या नाम है उसका? लल्लन कोई है लड़का। लल्लन की तो रमेश। एक सेकंड। अरे सनी। सनी मेरे पास मुरली भाई, मतलब ऐसा नहीं करते आप। मैं पूरा ऑफिस लेके जाऊंगा वहाँ पे। क्या बात करते हैं, उसे सबके सामने भाभी को छेड़ दिया। अरे कोई भाभी खुद परेशान है वहाँ पे। सर छुआरे तो ले लिए हैं, दूध बाहर से ले लेंगे। क्या करें इसका, यहाँ हम सनी के एक्शन में लगे नहीं, ये लियोनी की तैयारी कर रही है। मैं बात करता हूँ, तुम मेरा बैग संभालो। आप जाइए अंदर। प्लीज। कहाँ है? सुनो। अरे रमेश मुरली, चलो सर। अरे चलो यार, तुम लोग चलो। अरे क्या कर रहे हो? अबे तूने मुझे धक्का क्यों दिया था? अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? मारूंगा तुम्हें, समझता क्या तू? ये काम मुझे बार-बार शुरू कर दिया। अरे हराम खोरो, अरे हम अपनी जगह पर आ गए, क्या गाड़ी में घुसे चले जा रहे हो? जाओ लल्लन को ढूंढो। अरे क्या कर रहा है? चल उधर देख। शर्मा जी, भाभी जी कहाँ पर है? एक सेकंड, शोभा कहाँ हो तुम? दो नंबर गली में। आराम से आ रहे हैं। हाँ आप चलिए। एक मिनट, तुम्हारी प्लानिंग क्या है, क्या होगा वहाँ पे? अरे भाभी जी को आज लाइव छिड़वाएंगे। क्या? हाँ लाइव छुड़वाएंगे मतलब? अरे मतलब भाभी जी वहाँ पर जाएंगी, लल्लन भाभी जी को छेड़ेगा, फिर हम लल्लन को कूटेंगे, वेरी सिंपल। अरे आइए। मैं क्या बोलूँ कि बिना छेड़े काम नहीं चल सकता यार। अरे आप चलिए तो सही, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? चलो यार, थोड़ा और चटपटा बनाओ ना हमेशा की तरह। चटपटा चाहिए? अभी आपका बहुत स्पेशल बना के देते हैं। क्या बात है, आज अकेले आप खाएंगे? अरे जरूर खिलाइए। चटपटा है हमारा पानी पूरी, जो नहीं खाएगा उसका जिंदगी है अधूरी। वेरी बैड। शर्मा जी आप नहीं, यहाँ मैं गोलगप्पे खाने नहीं आया, हमको वो काम करना है। अरे मैं कर रहा हूँ ना, लीजिए इसको। आप रुको। हेलो, अरे कहाँ हो यार तुम लोग? अबे एक जगह पर साथ में मत ढूंढो, अलग अलग जाओ। हाँ जितना फास्ट हो सके उतना ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कहीं। हाँ जल्दी मुझे इन्फॉर्म करना। ओके बाय। एक बात बताए भैया, आप दोनों को देख के लगता कि बहुत बढ़िया जोड़ी है, भगवान ने एकदम सोच समझ के बनाया, सात जन्म तक जोड़ी बनी रहे। अरे आप वीडियो क्या, तुम्हारा सात जन्म का बकवास हो गया? हाँ जी। कितना पैसा हुआ? 52 रुपया। चलो पैसे इसको निपटाओ, चलो यहाँ से। हाँ। एक मिनट, फोन आया है। हेलो सर, लल्लन तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? नहीं। ये लल्लन का बच्चा ना मिल नहीं रहा है। एक मिनट, का नाम बोले? लल्लन। लल्लन बदमाश? हाँ। वो कमीना कुकुर को ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो कहाँ मिलेगा, कुछ पता है उसका? जानते हैं हम, क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, उसको कुत्ते की तरह धोना है। हम जानते हैं वो कुत्ता है कहाँ, वो जो तीसरी गली में जो है। हाँ हाँ। चार औरतों को चूड़ी पहना रहा होगा। जाइए और प्रॉमिस कीजिए उसको ना, हमारी आंखों के सामने मारेंगे आप। हाँ जरूर। बहुत रुलाया है, बहुत तपाया है, उसको हमारी आंखों के सामने मारिए। कहाँ गए? अरे
पैसा तो देते जाओ। लगता है आपको धंधा बदलना पड़ेगा, इसमें से लोग कोई पैसा नहीं देता। ये कहाँ आ गए हम? सब्जी बाजार है, चूड़ी का मार्केट है। हाँ वो लल्लन है। हाँ, ये सही आएगी आपको। अब आप तो ऐसे ही हंसते हंसते निकल भी लो। मैं पहले उससे भाग कर क्या? एक मिनट शर्मा जी, हमारा क्या प्लान था? क्या प्लान था? क्या भाभी, अब जाइए। आप देखिए तो सही। शोभा भैया, वो आप आपको याद करते हुए आ रही है, हाथ पकड़ लेगा। चूड़ी पहनाओगे? अरे कहे हाथ पकड़ लो। ये नेकी और पूछ पूछ, हम तो भाभी जी मैं आपको चूड़ी पहनाऊंगा। हाथ छोड़ो। अरे भाभी हाथ छोड़ूंगा कैसे? उंगली सीधी करो ना ऐसे। अब तो आप गाने भाई साहब। ओ भाई साहब क्या चल रहा है? मेरे हाथों में नो नो चूड़ी पहना रही हूं। एक मिनट भाभी, इधर आइए ना, इधर आइए आइए। भाई साहब मुझे भी पहनाइए, बड़ा शौक है। खामों का मजाक कर रहे हो? अरे इन हाथों में कहां चूड़ी आएगी, इनमें तो आएंगे छल्ले। देखो ये ले। अरे क्या कर रहे हो? एक सेकंड क्या कर रहे हो? देखो भैया तुम लल्लन हो? हाँ मैं लल्लन हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मतलब तुम ये गलत हरकतें करते हो औरतों के साथ? चलो सॉरी बोलो और ये सब माफ कर देंगे तुमको। देखो अंकिल, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, भले एक बार और छिड़ जाऊँ, एक बार और टिक जाऊँ। देखा आपने, देखा कितना बदतमीज है, और इससे इज्जत से बात कर रहे हैं आप? तेरी तो छोड़ दूंगा मैं तुझे आज, जानता नहीं तूने किसको छेड़ा है। तू चल यहाँ से, चल। अबे यहाँ कैसे मार रहे हो? यहाँ गली में तो कोई भी, एक मिनट छोड़ो मिस्कू। तुम्हें समझ नहीं आती ये बात? तुम्हें अच्छा लग रहा है इस तरह से बचते हुए? बेबी को हरकत करो, सॉरी बोलो, चलो जाओ। अरे अरे आप हैं कौन? बीबी इनकी और आप खामखा। तुम सब ऐसे ही हो सारे डाले एक दोस्त पाजी करके। इनके मारने में तो धप्पा जैसा लग रहा है। ये बेशर्म है। तू चल, तेरे को थाने लेके चलता हूँ, चल यहाँ से। एक मिनट ये ऐसे हाथ नहीं लगा सकते मिचकू आप। मारना है तो मेरे चौक पे ले चलो, जब जाकर बतलाता हूँ मैं कौन हूँ। चल तेरे को तेरे चौक पे लेके चलते हैं। चलो मिचकू चौक पे चलो, चलो इसका तमाशा मनाते हैं। शर्मा जी एक सेकंड, ये चौक में तमाशा करना ठीक नहीं है, तुम बात को समझ ही रहे। शोभा चलो जरा देखते ना क्या हो रहा है। नहीं चलो चलो, नहीं तो घर ही चलो। आप ही घर चलो, चूड़ियां पहना रहा है। आ तेरी चूड़ियां पंती निकालते हैं। अरे आ तो सही। अरे भैया आप ही के चौक पर तो लेकर आए हैं आपको। अरे आइए आइए भाई साहब, हमको धोने वाले हैं, आइए। भैया जी को छोड़ दो, चल चल। तुझे मैं तेरे चौक में लेकर आ गया। अब ना यार मेरा बड़ा दिल है, तेरे लोगों के सामने मैं थोड़ा पिटना चाहता हूँ, तो थोड़ा मार मुझे, मेरी हड्डियों को थोड़ा रगड़। और अगर तूने ऐसा मेरे साथ नहीं किया तो यही सेम थिंग मैं तेरे साथ करूँगा। ओके अच्छा पीछे हट जाओ, आगे से हट जाओ, जो तो होगा यहाँ मान लियो, दूर हटो तो फिर तो पिटोगे। आओ भैया, एक मिनट। हाँ जा थोड़ा और पीछे हो। हाँ और पीछे, और पीछे थोड़ा और। हाँ हाँ लल्लन भैया। भैया जी एक मिनट, हमारी गली में घुसने वाले को मारते नहीं, काटते हैं उसका गला। अबे ज्यादा डायलॉग मत मार, चला जल्दी धो, कब से खड़ा हूँ मैं। हाँ जल्दी आ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया बहुत डर लग रहा है, जल्दी का टाइम नहीं है मेरे पास। जय महाश्मते, जय महाश्मते। ओ भागने की जरूरत नहीं है, वो बाहुबली का कटप्पा था, ये मुंबई का उत्तप्पा है, इसको भी देखते हैं साले को। शोभा तुम बड़े मजे ले रही थी मार्केट में, वहां लल्लन का तमाशा हो रहा था और तुम एंजॉय कर रही थी। शर्मा जी जो काम आपको करना चाहिए था वो मुरली ने किया, आप तो उस लल्लन से जी हुजूर जनाब करके बात कर रहे थे। जिसने आपकी बीवी को छेड़ा उसको आप इज्जत दे रहे हो, उधर मुरली देखो ऐसे रिएक्ट किया जैसे खुद की बीवी हो। वही तो, दूसरे की बीवी के लिए कोई आग में भी खुद जाता है, वही मुरली ने किया, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा ना, तमाशा किसका खड़ा? हमारा है ना, मार्केट में लोग जानते हैं मेरे को, समझे? कल मैं ऐसी बाजार से जाऊंगा लोग यही कहेंगे ये तो कोई शर्माई जा रहे हैं, इनकी बीवी छिड़ी थी कल मार्केट में, समझ रही बात को? लल्लन का क्या, वो तो बदमाश है, आज छेड़ा कल भी वही करेगा वो, फिर क्या करोगी? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, मुरली ने उसको अच्छा सबक सिखाया है। अगर उसने ऐसा कुछ किया ना, मैं आपको नहीं मुरली को फोन करने वाली।
चार छुहारों को ठंडे दूध के साथ लेना है। सर, और ये ओए आ भाई मुरली, शर्मा जी नहीं आए? मैं उनका ही अखबार पढ़ रहा था यार, इसमें लिखा है भाई चार छुहारे के साथ ठंडा दूध पीना है, आदमी ठंडा नहीं हो जाएगा। सर आप प्लीज ना छुहारों से जरा थोड़ा बाहर आइए। आपको पता है शर्मा जी की बीवी को किसी ने खुलेआम ऐसे सड़क पे छेड़ दिया, उसे मैं भी पुलिस स्टेशन में जमा करके आ रहा हूँ। क्या शर्मा जी की वाइफ को छेड़ दिया? जिसने भी छेड़ा उसको मैं शहर से बाहर भिजवा दूंगा। एक मिनट सर, बीवी उनकी, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? जज्बाती हो गया था थोड़ा सा। सर आपको बस पुलिस स्टेशन में एक फोन करना है और ये कहना है कि वो कमीने ललन की ना जमानत नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है शर्मा जी कितने परेशान है? अगर शर्मा जी के दिन खराब हुए तो फिर तो आपकी रातें, आप समझ सकते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी रातें खराब नहीं करना चाहता। बनारस का ना एक एसपी है, वो मेरा दोस्त है। मैं ये कह रहा था अगर उनका भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाता तो मैं उनसे फोन करवा देता। अरे सर आप उनसे भी फोन करवा दीजिए, आप खुद भी फोन कर लीजिए। बस उस ललन की जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने शर्मा जी की बीवी को छेड़ा है। और शर्मा जी की जो बीवी है ना, इसका मतलब मेरे घर की इज्जत को छेड़ा है सर, मैं उसे छोड़ूंगा। सर आपको एक सजेशन दूं? क्या? हंसी ना हर जगह अच्छी नहीं होती सर। नमस्ते लल्लन साला कमीना, अब तो मैं एसपी से भी फोन करवाऊंगा, हर जगह से फोन करवाऊंगा। अरे शोभा पेपर नहीं आया क्या आज? प्रणाम प्रणाम, पेपर आया है, उसी को पढ़ रहे थे हम जानते थे कि पेपर लेने आप जरूर आएंगे, बहुत जानकारी मिल रही है, अजब सेक्स की गजब कहानी, क्या लिखते हैं। ये तो मेरा काम है एक्चुअली। हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं हम। आप कौन? मैं लल्लन की माँ हूँ बेटा। जिस नास पीटिए ने आपकी बीवी को कल बाजार में छेड़ दिया, वही उसी की माँ हूँ बेटा। कोई बात नहीं, बहुत 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 माफी चाहते हैं। उस कमजात की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। देखिए आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा, हम उसको आज ही शाम की ट्रेन से सीतापुर ले जा रहे कम्मों के साथ, उसकी सगाई कर देंगे। हरकतें बंद, बस आप उसे एक बार पुलिस स्टेशन से छुड़वा दीजिए हमारे बेटे को। हमने तो उसको पुलिस स्टेशन में दिया ही नहीं। कमाल करते हैं, हमने तो कल मार्केट में जो झगड़ा हुआ उसके बाद वहीं निपटा दिया था। अरे नहीं, तो पुलिस पकड़ कर ले गए। अरे वो किसी और केस में? नहीं नहीं, आपकी बीवी के नाम पे केस है, बहुत धो रहे हैं, उसको बचा लीजिए, खाल नहीं बचेगी हमारे बेटे। शोभा जी बुलाइए आपकी बीवी को। ये मेरी पत्नी शोभा, ये लल्लन की माँ है और ये कह रही है कि लल्लन को तो पुलिस में दे दिया, हमने तो रिपोर्ट भी नहीं की। अच्छा हुआ ना। कैसी बात कर रही तुम? क्या कह रहे हो बेटा, हमारे बेटे को धो रहे हैं आपके नाम से, लेकिन ये आपकी बीवी है जी। अरे अरे, इनको देख के हमारा लल्लन बहक गया होगा, तभी छेड़ा होगा, ये तो है ही ऐसी। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब है कि बहुत खूबसूरत है, जियो बेटी जियो, लेकिन हम अपने बेटे की तरफ से, उस कमीने की तरफ से माफी मांगते हैं, माफ कर दो, छोड़ दो हमारे बेटे को। तुम अगर कह दोगी ना तो छोड़ देंगे। मैं क्या कहूँ शर्मा जी, आप भी? अच्छा एक सेकंड, अंदर चलो। लेकिन शर्मा जी आप मुझे एक बात, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ जरा शक्कर ज्यादा लाना। तिवारी जी का फोन है। तिवारी तिवारी, हाँ रे वो, ओए उस लल्लन के बच्चे को मत छोड़ना। अरे रेप अटेम्प्ट का केस लगा दिया है। इतना कूटना उसे के यहाँ देख सॉरी, इतना कूटना के उसे अपनी नानी भी याद ना आए। बत्रा साहब आप देखो, बार बार फोन करोगे ना तो ऐसी धारा लगा दूंगा कि बेचारे की लग जाएगी। भैया ये तिवारी किससे बात कर रहा होगा? किससे? हमें सब पता है, अम्मा सिफारिश लगवा रही होगी। तिवारी जी, हाँ जी, ये केस तो हाई प्रोफाइल हो गया। अरे भैया बत्रा जी के पहले तीन तीन आशिकों का फोन आ चुका है। कलेक्टर बॉम है, बॉम बॉम घाट बॉम। कायबे लल्लन ऐसी जगह हाथ डाला, हाथ नहीं जला। गुदगुदी हो रही थी। क्या करें, बिल्कुल अपने बाऊजी पर गया। भैया भैया भैया, अम्मा आ गई। अम्मा आ गई और उसी बॉम्ब को लेकर आई जिसका आपने हाथ पकड़ा था। मैं क्या बात कर रहा हूँ, हाथ पीले करवाएंगी क्या? ओ ये है केस। चांस पाशा माजी। हाँ जी तेरा खुश है बेटा। तिवारी आप ही हैं इंस्पेक्टर? मैं चंदन शर्मा, झुंझुना पेपर के लिए कॉलम लिखता हूं। आपको कौन नहीं जानता शर्मा जी, बहुत फेमस हैं आप। बिल्कुल चिंता मत करिए। माय वाइफ शोभा। नमस्ते। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लल्लन को हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे मतलब नहीं छोड़ेंगे। लो बताओ। अरे भाभी जी के कनेक्शंस कितने हाई प्रोफाइल लोगों से है हमें पता चल गया है। बस समझ लीजिए लल्लन तो लंबा गया। एक्सक्यूज मी, हम लल्लन को छुड़ाने आए। मतलब केस वापस ले रहे हैं हम लोग। जब आपने केस किया ही नहीं है तो वापस कैसे ले सकते हैं?
कैसी बातें कर रहे हैं आप? लल्ला ने मेरी वाइफ को छेड़ा तो कंप्लेंट ये केस हमारा ही हुआ ना? जी नहीं, केस मुरली भैया ने किया है। हाँ, यदि मुरली भैया बोल दें कि छोड़ दो तो हम कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश? रेप अटेंड का चार्ज लगाया। क्या क्या रेप अटेंड? अरे ये ऐसे कैसे, मैंने तो हाथ ही पकड़ा, रेप कैसे? अम्मा बताओ ना। हाँ हाँ, अरे मेरा बेटा तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। क्यों, तेरा बेटा इस लायक ना है? अरे सत्यानाश जाए, क्या बकवास कर रहा है तू तिवारी? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग भी? देख रहे हैं, दो दो लेडीज यहाँ पे। दो नहीं तीन लेडीज कांस्टेबल सुनीता भी तो है। तब तो और गलत बात है। वैसे यदि मुरली भैया फोन कर दें तो केस अभी सिर्फ अटेम्प्ट तक ही है। यदि एक हाथ फोन और आ गया तो फिर डायरेक्ट रेप का बन सकता है। कम ऑन शोभा। भाभी जी क्या छेड़ा है लल्लन? अम्मा मैं छूट तो जाऊंगा ना। अरे मरे, उसे छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना, छूट तो जाऊंगा। अरे भैया मैं क्या बोल रहा था। शर्मा जी बहुत ही भोले आदमी है। नहीं मतलब वो लल्लन की माँ ने आपके सामने दो आंसू क्या बहा दिए, उन आंसुओं के फ्लो में आप सीधा थाना पहुंच गए, और वो भी भाभी जी को लेकर। अगर वो लल्लन भाभी जी को वहां छेड़ देता तो नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या है? लल्लन अगर दो दिन लॉकअप में बंद रहेगा तो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी किसी को नहीं छेड़ेगा, अकल आ जाएगी उसे। आप भी ना यार, मैं और आप ना, वो तिवारी से प्लीज दूर रहिए, बहुत बड़ा दोगला आदमी है वो। कौन समझाए अब आपको? मुरली, मैंने और शोभा ने डिसाइड किया है कि हम लल्लन को माफ करना चाहते हैं। अरे मैं ये केस अब रफा दफा करना चाहता हूँ, बहुत थक चुका हूँ मैं, बहुत फजीहत हो चुकी है हमारी, एक तरह से बदनामी हुई है यार। मैं एक लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं सवालों का जवाब नहीं सोच पा रहा हूँ, मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं। एक मिनट प्लीज प्लीज, थोड़ा शांति रखिए, कूल डाउन, आप डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हो गए ना तो पूरा झुंझुना डिस्टर्ब हो जाएगा। आप एक काम करिए शर्मा जी, आप दो दिन की छुट्टी लीजिए, ओके? हाँ, भाभी जी को कहीं बाहर लेकर जाइए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, वरना ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा, हमारा पेपर बंद हो जाएगा। आप जाइए, आप छुट्टी लीजिए। और लल्लन? लल्लन की फिक्र मत करिए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब तक आप लौटेंगे तब तक लल्लन बाहर होगा, इतना तो भरोसा है ना मुझ पर, है कि नहीं? तो आप जाइए। ठीक है। और एक मिनट, भाभी जी को हैप्पी जर्नी जरूर कहना, ओके? यार इनसे भोला आदमी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। पागल। अरे वाह शर्मा जी, ससुराल जाने की बड़ी तैयारी हो रही है। अरे तुम भी मतलब कुछ भी। वैसे आज आपने मेरा दिल जीत लिया। क्यों क्यों? ये अम्मा और बाबूजी के पास जाने का जो प्रोग्राम है ना, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी। अरे वो क्या है कि बाबूजी से बात होती रहती है अक्सर, अम्मा से बात हो नहीं पाती। मैंने सोचा चलो सीधे गांव चलते हैं, मिल लेते हैं उनसे, दर्शन भी हो जाएंगे उनके। वैसे ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे कौन सा क्या आइडिया? यही अम्मा और बाबूजी के पास जाने का। अरे वो ऐसे ही, वो क्या है कि लल्लन के चक्कर में हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। मुरली ने कहा कि जाओ थोड़ा बाहर होके फ्रेश होके आ जाओ, बस तो बन गया प्रोग्राम। मुरली? हाँ, तो हाँ। ये आइडिया भी मुरली ने दिया आपको? अरे इसमें मतलब कमाल की बात कर रही है, कौन सा रॉकेट साइंस है। हो गया आपका? क्या आईना हो गया? कैरी ऑन। कुछ भी, तभी तो मैं सोचूं ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आ सकता है। अरे कमाल है यार। अभी ये क्या कर रहे हो? बाबूजी को फोन कर रहा हूँ कि हम आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उनका सरप्राइज देते हैं। अरे झटका खा जाएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मुझे क्या, तुम्हारे बाबूजी तुम जानो। ताला लगा है यहाँ पे तो। बहुत खुश होकर बता रही हूँ, मैंने कहा था ना फोन करना, और तुमने कहा कि सरप्राइज देंगे। यही कहीं गए रहेंगे, सरप्राइज दे दिया तुमको। आप फोन लगाओ। फोन तो मैं लगा ही लूंगा। अरे वाह, दामाद जी का फोन है, दे दूं उनको भी खुशखबरी। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, उनको कुछ मत बताइए अभी। अच्छा, हेलो बाबूजी।
प्रणाम। अरे शोभा बिटिया, कैसी हो बेटा? बाबूजी हम घर आए हैं। अच्छा घर, कौन सा वाले घर पर? अपने गांव वाले घर जी। ये भी आया साथ में। अच्छा दामाद जी भी साथ में? अरे बेटा तुमको आने से कम बताना तो चाहिए था, पहले फोन ऑन कर देती। हाँ वो हमने सोचा थोड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा हम हो गए सरप्राइज हैं। जल्दी आ जाओ, हम रुके जी, अभी आ रहे, यही गए। अब ऐसी हालत में कैसे जाऊं दामाद जी के सामने? तो तुम ऐसा करो कि तुम घूंघट डाल के तब निकल जाना। हैं घूंघट डाल के चली जाना। अरे घूंघट तो यहाँ डलेगा ना, यहाँ कौन सा घूंघट डालूं? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा ऐसा करते हैं घर चलते हैं, फिर जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से देख लेंगे हैं। चलो 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 धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, देखो पैर सीधे रखना, आहिस्ता आहिस्ता। बिटिया की उम्र है ये सब करने की, दूध और बादाम खा कर फंसा दिए हमको। अब हमारा मुंह ना खुलवाओ। दीदी देर लगा दी, मुझसे बोलती मैं गाड़ी से ले आता। 5-10 मिनट तो हुआ है। ये कौन है? पड़ोसी होगी, दरवाजा खोलने के लिए भेजा रहेगा, हम बैठे हैं ना। अरे दामाद जी। बाबूजी। अरे बाबूजी प्रणाम। अम्मा कहाँ है? अरे वो क्या है अम्मा? वो अम्मा? हाँ अम्मा। क्लिनिक चेकअप कराने गए थे। 7वां महीना चल रहा है। अरे दामाद जी अब हो गया ना? क्या हो गया, ये कोई उम्र होने की बेकार की बातें कर रहे हैं आप। नाक कटा दी आपने समाज में हमारी, क्या कहेंगे लोग? आपने शोभा का चेहरा देखा? हाँ देखा, वो तो बड़ी खुश थी। उसे आप खुश होना कहते हैं? बहस के जा रहे हैं, मतलब समझते भी नहीं है बात को। एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आप, ये आपका एंटरटेनमेंट है? ये एंटरटेनमेंट आप मुझसे पूछते थे कि कैसे करना है? ये आपके बहाने कि मतलब लखा को ये चाहिए, नथु को ये चाहिए, उसके दो छारे बढ़ा दूं, ठंडा दूध दूं कि गर्म दूध दूं, ये आप लखा के लिए नहीं अपने लिए पूछते थे? हमारे हाथों पाप ये है इसका असर। देखिए दामाद जी, हमें तो इस खुशखबरी की उम्मीद आपकी तरफ से थी, मगर आपका जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने सोचा कि आपके बताए हुए नुस्खे को हम ही इस्तेमाल कर लें। बड़े कारगर नुस्खे हैं दामाद जी, आप एक बार खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप बेकार की बातें मत कीजिए, समझे कि नहीं? हम यहाँ फ्रेश होने आए थे, अब डिफ्रेश होके जा रहे हैं। छे अब बताओ, हम तो इनके नुस्खों की तारीफ कर रहे हैं और ये सारे किए किराए पर पानी फेर रहे हैं और हमारी मेहनत पर भी पानी फेर रहे हैं। उत्तरी अम्मा, अम्मा ललन भैया को मारने फिर से बोलोगे आगे? हाँ, क्या? बोलो। अरे मेरे ललन के तो पीछे ही पड़ गए, थाने में भी कूटेंगे से। मैं कवर करता हूँ ललन भैया को। हाँ। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बच जाऊंगा। हाँ। अरे क्या हो गया, कौन कूटने आएगा भाई इस ललन को? यादव जी देखो तो भाई ये कौन आया है। अरे बंद करो यार ये सब, मछली बाजार बना के रखा हुआ है। तिवारी जी कौन है ये? अरे मुरली जी आप? तिवारी जी कहाँ? तिवारी जी आइए। तिवारी जी देखिए मैं बहुत परेशान हूँ और आज मैं ललन का फाइनल करने आया हूँ। फाइनल करने आए जी? अरे अब अंदर तो कर रखा और कितना अंदर कर दें? अरे किसी ने मेरे ललन को हाथ भी लगाना तो मैं अपने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर पूरे थाने को आग लगा दूंगी। हाँ आप शांति रखिए, काफी क्रांतिकारी है माताजी। ललन की माँ है, सीतापुर से आई है। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत ही संस्कारी बेटा पैदा किया है आपने। अरे अब ज्यादा और संस्कार दे देंगी तो लड़की घर घर जाके छिड़ेंगे। छोड़िए मुरली भाई, ये बताइए कैसे आना हुआ? सर आप ये ललन को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? आप मेरी स्टेटमेंट वापस लीजिए और बताइए मुझे कहाँ साइन करना है। अरे आप साइन तो कहीं भी कर दीजिए, पूरा थाना आपका है। लेकिन लेकिन क्या अपन छोड़ नहीं सकते? अरे क्यों नहीं छोड़ सकते, क्या प्रॉब्लम है सर? क्यों क्या? ये बत्रा साहब, ये हाईकमान, ये वीआईपी के सोर्सेज, ये तो केस तो कोर्ट में जाएगा ना। अब कोर्ट तक केस जाएगा? मैं शर्मा जी को क्या जवाब दूंगा? मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि जब तक वो यहाँ लौटेंगे मैं इसकी जमानत करवाऊंगा। अरे सर आप समझिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं शर्मा जी को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, सोमवार तक हम जमानत की जुगाड़ करते हैं, बस आप एक अच्छा सा वकील कर लीजिए। हाँ। आप वकील की टेंशन मत लीजिए, वो मैं अपने वो चिरासव जी हैं उनको फोन कर दूंगा। हाँ तब तक आप एक काम करिए, आप इसे 5-star ट्रीटमेंट दीजिए इस लुक्के को जी, और मतलब ये जो भी चाहे जो सुविधा चाहे इसको देना, इस कुत्ते को। ए, सुन रहा है लल्लन,
फाइव स्टार ट्रीटमेंट देने का बोल रहे हैं। अरे अरे भैया, सबसे पहले हमको टच स्क्रीन मोबाइल दिलवाओ 4G डलवा के, और एक सोफा यहाँ पे चाहिए मच्छरदानी के साथ। अब ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, बताइए अब हम करें क्या। अरे आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं तिवारी जी? अरे एक बात बताइए, आप यहाँ पर कैसे आते हैं, मतलब घर से, मतलब किस पे आते हैं तिवारी जी? भाभी जी की स्कूटी में आते हैं जो ससुराल से मिली अभी तक। तिवारी जी, सुना है वो नई वाली होंडा निकली है 65,000 की, कभी चलाइए? वो तो बड़ा तेज भागती है भाई। अरे अब आप चलवाएंगे तो चला लेंगे। वैसे अपने मुरली भाई बैलेंस बड़ा अच्छा करते हैं। बस कलाकार हैं। तिवारी जी साला फर रहा के आएंगे। हाँ, बाद में चलाइएगा, फोन बज रहा है। लालची है यार। हाँ तिवारी जी, बत्रा साहब बात करेंगे। कौन? बत्रा जी बोल रहे हैं। बत्रा प्रेसर जी। हेलो तिवारी, हाई कमांड से बात करो। हाई कमांड से बात करा रहे हैं। अब इनका भी प्रेशर। हे भगवान। सर बात कीजिए। क्या बोलना है? लो यही कि लल्लन को मत छोड़ना। लल्लन को कभी मत छोड़ना। पुड़पक, क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं लल्लन को छोड़ना मत। हाई कमान तो छोड़ो। अरे ड्राइवर तक ने दबिश दे रखी है। अरे ये सब प्रेशर कम कराइए, जमानत हम करा देंगे। सर। अरे मुरली भाई, आप यहाँ पे? नहीं, बत्रा साहब का सब कुछ ठीक चल रहा है। अंदर हाई कमांड के साथ मीटिंग चल रहा है सर, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि मैं आया हूँ। मुरली भाई देखो, एक बार ये नो डिस्टर्ब का बोर्ड लग गया है ना, तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अरे वो मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे। अंदर हाई कमांड है ना, चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे कोई बाहर आएगा ना, मैं आपका मैसेज अंदर भेज दूंगा ना, आप चिंता मत कीजिए। बाहर आने दो, उतनी देर है बस। अच्छा तो ये हाई कमांड की मीटिंग चल रही है अंदर? ये अंदर थी, देखा देखा, ये बत्रा साहब ही ना अपने खुद के पीए को पोपट बना रहे। आप जाइए मोदी भाई, आप डायरेक्ट अंदर जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं क्या कह रहा था कि अरे आओ 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 मुरली, आओ आओ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, जी जी जी, अच्छा चलो। जय राम जी की, जय राम जी, प्रणाम। हां नमस्ते, नमस्ते, जाओ ना यार। बत्रा जी आओ आओ, मुरली आओ, सही वक्त पे आए हो यार। थैंक यू सर। इनसे मिलो, ये है हमारे पार्टी के हाई कमांड। नमस्ते नमस्ते। अच्छा तो ये है वो, आपने इनसे फोन करवाया था पुलिस स्टेशन? क्यों नहीं, फोन तो करना ही पड़ता है ना। अरे शर्मा जी हमारे आदमी है यार, कितना खुश करते हैं मुझे। उसी बात से याद आया कि वो शर्मा जी की मदद की जरूरत इन्हें भी है। क्या है कि इन्हें भी वो छुआरे खाने हैं। अच्छा। ये मुरली है, मुरली। अरे बेटा कुछ करता हूँ ना तो सांस फूलने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। नहीं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं। ये मुरली है, ये अखबार चलाता है, ये अखबार चलाता है, और इनके यहाँ वो शर्मा जी काम करते हैं। बत्रा जी, तुम सुनो सुनो, शर्मा जी की जरूरत है इसलिए एक बार जरा इनके लिए भी, ये दिल्ली से खास आए हैं शर्मा जी से मिलने। मैं करवा दूंगा, मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट काम था। प्लीज किसी से फोन मत करवाइएगा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि शर्मा जी को मैंने प्रॉमिस किया है कि उनके आने से पहले मैं लल्लन को छुड़वाऊंगा, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएंगे वो। नहीं नहीं, वो नाराज हो जाएंगे तो हम सब नाराज गड़बड़ में आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, लल्लन को मैं छुड़वा दूंगा। ये लीजिए। अच्छा अच्छा, लो 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 लो। ये छुआरे किसके लिए? वो इनके लिए, इनको आदत है ना रोज दूध और छुआरा खाने की। अरे लक्ष्मी, हमारा काम हो गया है, अब इनको दो, इनकी बारी है। हमें नहीं चाहिए। इनके लिए तो बांध दिया ना मैंने 2 किलो। क्या मतलब? अच्छा किया अम्मा, 2-4 किलो और है तो वो भी बांधो, शर्मा जी के लिए सारे कम पड़ेंगे। है? हाँ, आपको लगता है ना वो पेशेंट्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट के लिए। जैसा बाप वैसी। अरे अम्मा ठीक हो? अच्छा क्या हुआ आपको? संभाल के ले जाओ। बोला था ना मैं दूध लाते, आप क्यों करते हो ये सब? लगता है पेन शुरू हो गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे थे कि ये 7वां महीना चला है। अरे भाई धमाजी, कभी कभी 7वें महीने में भी तो हो जाता है प्रीमेच्योर। हमने इनको भी छुआरे खिलाए ना। आप मैच्योर कब हो गए? शर्मा जी प्रणाम प्रणाम। आप यहाँ? नमस्ते बेटा। नमस्ते जी।
शर्मा जी कहाँ चले गए थे आप? दो दिन से चक्कर काट रहे हैं। आज आप नहीं आते ना तो लल्लन के बाऊजी की कसम गले में रस्सी डाल के यहीं अपने को लटका देते आपकी चौखट पे। लेकिन क्या हुआ, लल्लन छूट गया ना? अरे कहाँ छोड़ा हमारे लल्लन को नास पीटो ने। अब बताओ कम्मू के बाबूजी का भी फोन आ गया है कि दो दिन में रिश्ता पक्का नहीं हुआ ना तो कहीं और कर देंगे रिश्ता। बताओ, हाथ ही तो पकड़ा है, अब क्या फांसी चढ़ा दोगे मेरे लल्लन को? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुरली ने कहा था कि छूट जाएगा। हाँ, अरे हम कहते हैं मुरली कौन होता है, हाथ तो आपकी बीवी का पकड़ा ना, मुरली कौन होता है बीच में आने वाला। अब कंप्लेन लिखवाई थी, अब मैं जो कंप्लेन मैं फोन करता हूँ मुरली को। माँ जी अब शांत हो जाइए, फोन लगा रहे हैं। अरे कौन से मिनिस्टर को फोन लगा रहे हैं? आपका हाथ पकड़ा है ना तो हमारे लल्लन को कौन छुड़ाएगा? आप छुड़ाएंगे ना। मुरली मुरली ने क्या था ना केस मुरली से, लो लगिन रहा मतलब स्विच ऑफ। मैं ट्राई करूं फोन? हाँ बेटा तुम ट्राई करो, शायद तुम्हारा फोन उठा दे। माता जी स्विच ऑफ है फोन, मतलब स्विच ऑफ फोन कोई कैसे उठा देगा? लो मतलब। अरे मुरली का फोन स्विच ऑफ फोन हो, हमें क्या मतलब है? इसका फोन मिल जाए ना कसम से सिलबट्टे में लेके टुकड़े टुकड़े करके पीस देंगे। वहाँ हमारा लल्लन जेल में स्विच ऑफ हो रहा है और इनको अपने फोन की पड़ी है, फोन ऑफ है फोन ऑन है। अरे हमारे बेटे को कौन छुड़वाएगा? हम कह रहे कहाँ चले गए सब, अब फिर से जा रहे हैं आप? अरे अभी तो आए हैं, अब घर में नहीं रुकेंगे, घर में मन नहीं लगता आपका, तभी तो आपकी बीवी को छेड़ते हैं लोग। आप चलेंगे? आप ललन को छुड़वाना है? आ रहे ठीक है, उसको छुड़ाने जा रहे हैं। आ रहे भगवान। अरे देखो, अरे अरे क्या माहौल बना दिया तुमने तो पूरा है सोफे। अरे पैर नहीं वही से ठीक है। हाँ प्रणाम माता जी। अरे खुश रहो बेटी, आ गई ड्यूटी? बस अभी आई माता जी। अच्छा क्या, मुझे चाय पिला दे अच्छी सी, अदरक और तुलसी वाली। बस अभी लाई। अरे अम्मा भैया ने ना 4G रिचार्ज करवाया और कैंडी क्रश खेल रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। वो भाभी जी नहीं है? मुरली आया था क्या पीछे से? आए थे लेकिन सॉरी उनका काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि केस रेप अटेम्प्ट में बदल चुका है। हैं? मंडे को कोर्ट खुलेगी, हम जमानत करा लेंगे। वैसे डोंट वरी, मिस्टर लल्लन को हमने 5-स्टार की सुविधाएं दे रखी हैं। मिस्टर लल्लन आर यू हैप्पी? हैप्पी न्यू ईयर। इंग्लिश कितनी बढ़िया बोलता है लल्लन। सी कैसे बुड़बक को पकड़ के लाए हैं आप। बैठिए शर्मा जी। क्या है यदि भाभी जी एक बार और थाने में आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। क्यों? कुछ पेपर साइन कराने हैं। कैसे पेपर? अरे केस वापसी के, जब भाभी जी साइन करेंगी तभी तो मिस्टर लल्लन बाहर आएंगे। राइट मिस्टर लल्लन? नो राइट। मत लाना शर्मा जी, ये आंख सेक लेते हैं, बहुत बड़े सेकू हैं ये। मुरली ने कंप्लेन लिखवाई थी, वही वापस लेगा। राइट। शोभा को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सॉरी। अरे सर एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। अम्मा को साइड ले जाओ। अम्मा चलो। आइए आइए आइए। तिवारी सर को अंदर ले ले। मिस्टर लल्लन, व्हाट द ब्लडी हेल, दिस इज द पुलिस थाना, नॉट एट होम। ओके, घर की तरह बोल ले। आओ 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 आइए आइए, बैठो बैठो, अम्मा को रखो साइड में, बैठो बैठो। देखो आप इंसान सही हो इसलिए आपको बता रही हूँ, आपकी बीवी धीरे, आपकी बीवी और मुरली का कुछ तो टाका भिड़ा हुआ है। अरे कल वो यहाँ आए थे जेल में, यहाँ फोन से बातें कर रहे थे आपकी बीवी के साथ, रोमांटिक रोमांटिक बातें। देखो हमारा क्या कुछ भी नहीं, हम तो जेल से अब छूटे तब छूटे, लेकिन आपकी वाली आपको कब छोड़ कर चली जाएगी पता नहीं चला। मेरी बात मानो, घर जाके अपनी बीवी का फोन चेक करो, कल इन्होंने बातें करी है 12:45 पे। 12:45 याद आया? अरे अरे सोच समझ के ही डिसीजन लिए ना शर्मा जी। शर्मा जी फालतू की बात नहीं, ना मैं रिश्वत देता हूँ ना लेता हूँ। अरे रिश्वत कौन मांग रहा है आपसे? तो फिर बात ये है शर्मा जी के 18 साल हो गए शादी को, एक भी बच्चा नहीं हुआ, ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमको भी संतान की प्राप्ति हो जाए। मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही के हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। जब 18 साल में कुछ नहीं हुआ था 19 में क्या उखाड़ लोगे? झुंझुनू ना। ये तो पूरे ही पगला गए हैं, सबका कर रहे हैं हमारा ही नहीं करेंगे। अरे यार थोड़ी देर चैन से भी नहीं बैठने देते। अरे जीजा जी आइए आइए, अरे अभी का इंतजार कर रहा था मैं, आइए आइए। तुम कब आए?
बस आपका जाना हुआ और मेरा आना हुआ। क्या टाइमिंग तुम लोग की यार, मैं जाता हूँ तुम आते हो और मैं आता हूँ तुम जाते हो। आइए आइए जीजू, बैठिए बैठिए, आइए पानी पीजिए। क्या हुआ शर्मा जी, तबीयत ठीक नहीं आपकी? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। अरे मैं तो आपसे कल ही मिलके जाने वाला था, इनफैक्ट मैंने तो शुभ को फोन भी किया था, मगर आप दोनों गांव में थे तो सोचा कि आज मिलके चला जाऊं। तुमने कल फोन किया था? हाँ। कितने बजे? अब सुबह कितने बजे? आप बाबूजी से बात कर रहे थे ना, उस टाइम जो फोन आया था इसका आया था, शायद 1:15 बज रहा होगा ना। क्यों? 12:45। हाँ ओके, तुमने फोन किया था? हाँ। गुड, तुम जा रहे हो आज? हाँ बस आपसे मिलकर मुंबई निकल रहा हूँ। अरे ऐसा क्या, थोड़ा रुकते हैं घूम। ये क्या, ये फालतू में पैसा क्यों खर्च किया तुमने? अरे ये मैंने नहीं, आई कांट अफोर्ड दिस। ये क्या लाएगा, ये तो मुरली लाया है। मुरली? मतलब मुरली भी आया था? हाँ, जब आपका फोन नहीं लग रहा था वो घर चला आया फूल लेके। और ये बैंगन उसके लिए बन रहा है? ऑर्डर देके गया वो? ये तो इसके लिए बन रहा है। तुम्हें भी बैंगन पसंद है? हाँ, लेकिन सिर्फ शोभू के हाथ का। आपको पता है जीजा जी, पूरा गांव दीवाना था इसके हाथ का। गोल्डी तुम भी ना। बट माई बैड लक, आज नहीं खा पाऊंगा क्योंकि टाइम हो रहा, निकलना पड़ेगा। अच्छा शोभू मैं निकलता हूँ, और ये डीवीडी जीजा जी को दिखाना मत भूलना। जरूर। ये क्या है, क्या है इसमें? अरे इसमें धमाल, टैलेंट, परफॉर्मेंस। अरे भाई शोभू के डांस का तो पूरा गांव दीवाना था, पूरा गांव हिल गया था, इनफैक्ट आप भी हिल जाओगे। ठीक है, अब ठीक है शोभू मैं चलता हूँ। अच्छा जी, बाय। क्या ये गोल्डी भी ना? चिचोरा है तुम्हारा ये गोल्डी? कुछ चिचोरा नहीं, चलो डीवीडी दिखाती हूँ आपको, आपने देखा नहीं अभी तक? आओ खुश भी यार, मतलब शर्मा जी मूड ठीक हो जाएगा आपका। मतलब, क्या मतलब है इसका? आप देखिए तो सही, एक बार देखोगे ना देखते रह जाओगे शर्मा जी। उठा के पल्लू शहर के मैंने चक्कर मारे चार, उठा के पल्लू।
करनी बंद क्यों किया आपने? हैं? ये हमारे हिंदुस्तान में ना यही प्रॉब्लम है, जितने मर्द है ना ये औरतों के टैलेंट को दबा के रख रहे हैं। कितना बढ़िया डांस किया उन्होंने, भाभी बहुत कमाल किया है। ये वाले रूप में आपको पहली बार देखा मैंने। थैंक यू मुरली। फिर से देखना चाहोगे? हाँ हाँ दिखाइए ना। एक सेकंड, काम की बात कर लूँ मैं जरा। हाँ जी। कैसे आना हुआ? कैसे क्या, कितने फोन लगाए मैंने आपको, फोन ही नहीं उठाते। भाभी आपने बताया नहीं। मालूम 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 है, तुम्हारे फूल पड़े हुए, मैंने देखे वहाँ पे। शर्मा जी। हाँ। खुश रहो। अरे वाह, आप भी जी। हाई कमान साहब कहाँ है? यही तो है, इनका इलाज करना है जी। अरे बेटा, जब कुछ करता हूँ ना तो सांस फूलने लगती है। हाँ, उसी के इलाज के लिए आए हैं, इलाज के लिए आए। अच्छा अच्छा, खुश रहो। ये खड़े हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आपके इलाज से तो हो ही जाएंगे। नहीं अभी अगर ये खड़े हो जाएं तो मैं अंदर चेकअप कर लेता हूँ इनका। हाँ ठीक है ठीक है, आप अंदर चलिए अंदर चलिए। मोना सपोर्ट। शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, आ गया हूँ मैं। हाई कमान साहब आ रहे आ रहे, कपड़े बदल कर आ रहे। हाँ इनकी सेक्रेटरी उनके कपड़े चेंज करवा रही है। ये बोलने की क्या जरूरत थी? कोई नहीं, कपड़े नहीं, नहीं, जिस तरह आपकी सेक्रेटरी आपके कपड़े चेंज करवाती है। एक्सक्यूज मी, शी इज नॉट माय सेक्रेटरी, ये मुरली की सेक्रेटरी है मोना। मुरली की, मुरली की सेक्रेटरी है आप? आप मुरली की सेक्रेटरी? आप बैठिए ना आप। हैं? हाँ प्लीज बैठिए अपनी जगह। सॉरी नहीं, वो रहा नहीं गया, क्या हैंडल करती है ये, लोगों को क्या हैंडल करती है आप, वाह। और कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो वैसे भी उनको चेक करूंगा तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे ना उनको। हाँ ये भी तो है। आ जाते तो मैं, एक्चुअली मेरे को और आ गए आ गए, इन्हें वहाँ वहाँ लेटाओ जी सर, बैठाओ आराम से। मोना प्लीज हैंडल इट केयर। सर ऐसा इलाज कीजिए कि ये दिल्ली से बार बार यहाँ ना आए, हमारा भी वक्त बर्बाद होता है ना। मुझे भी लग रहा है कि इनको एक्चुअली ना मेरी नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत है। हाँ तो आप डॉक्टर ही तो है। एक्चुअली मैंने आपसे कितनी बार कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। आई सॉरी 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 सर, देखिए ना प्लीज, खास आप ही के लिए वो दिल्ली से यहाँ आए, प्लीज। अच्छा देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, दिख रहा है। अच्छा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बेटा, कुछ करता हूँ ना तो सांस फूलने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। अरे आप मैडम लगता है इनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अरे सर सपोर्ट नहीं करती तो यहाँ तक कैसे आते? हाँ ये भी है ये भी है। इन्हें जरा लेटाओ। ओके प्लीज आराम से। हाँ शर्मा जी। हाँ ललन, तेरी जमानत हो गई? अबे कहाँ से जमानत हो गई यार, हम तो कोर्ट से वापस थाने आ गए। हमें उसने बोला हथौड़ा भी यहीं बजेगा, बताओ हम अंदर आके बज गए। मतलब? अरे वकील भेजा ही नहीं उसने। मुद्दे की बात ये कि मैंने आपकी बीवी और मुरली की जासूसी करवाई अपने चुन्ना चंपू को बोल करके। मुझको तो लग रहा है इसने जानबूझ के ऐसा किया। हाँ। हमको यहाँ बिजी किया हुआ है और आपको कहीं और बिजी, कहीं बिजी हो ना, और खुद आपकी बीवी के साथ हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। बजा रहे अपना अपना झुनझुना, बजा रहे अपना अपना झुनझुना, बजा रहे अपना अपना झुनझुना, बजा रहे अपना अपना झुनझुना। बेल बज रही है? हाँ। उठाएगा नहीं? तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है, 100% दोनों साथ में होंगे। ये मुरली ऑफिस में भी नहीं है तो फिर कहाँ होगा? अरे मेरे बच्चे फॉलो अप में लगे, ये देखो चुन्ना का फोन आया। हाँ बोल बेटा। पोपट पूरे 20 मिनट चिड़िया के साथ घोंसले में रहा, उसके बाद फुर्र करके चिड़िया को लेके घोंसले से उड़ गया। ओके गुड, आगे की रिपोर्ट मैं आपको देता हूँ। ओवर एंड आउट भैया। डेल्टा। क्या मतलब? पोपट 20 मिनट तक चिड़िया के साथ घोंसले में रहा फिर उड़ गया। क्या पोपट? पोपट मतलब मुरली, चिड़िया मतलब आपकी बीबी। चिड़िया? और वो क्या 20 मिनट तक घोंसले में रहे? घोंसला मतलब आपका घर। हाँ कोई यहाँ मौज करे, कोई यहाँ रोज मरे, कोई यहाँ रोज मरे, कोई यहाँ मौज करे, जाने हैं सबके सब सौ गुना, बजा रहे अपना अपना झुनझुना।
खाना नहीं खाया। अरे ऐसे में कोई कैसे खा पाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ले जाओ। भैया भैया क्या ये देखो नया फुटेज आया है, दिखा दे इनको। ना ना ना, अरे वो पहली फुटेज से ही बाहर निकल रहा है, बहुत है। ये दिखाएंगे तो यहीं कांड हो जाएगा। भाई शर्मा जी, हम तो बोल रहे हैं आज रात का डिनर भी आप जो है हमारे ही साथ करो। नई फुटेज आ गई है, रात को जो फुटेज आएगी एकदम रंगीन। देखो कल कोर्ट से हमें जमानत मिल जाएगी, उसके बाद हम आपको कोई फुटेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी अम्मा को प्रॉमिस किया कि यहाँ से निकलने के बाद हम उनकी मर्जी की लड़की से शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे और अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में रखेंगे। आपकी तरह नहीं कि उठता तीर खुद ले लिया। बस बस, तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे जो करना है वो मुझे पता है। बताओ यार, ये आदमी कैसे संभाल पाएगा अपनी बीवी को, जिसको गुस्सा भी इतना धीरे आता है। शर्मा जी, अगर आप बुरा ना माने और डिस्टर्ब ना हो तो एक बात पूछूं। वही बात ना कि 18 साल से बच्चा नहीं हो रहा, अब 19 में लग गया, तो मेरा भी सेम जवाब है, सेम टू यू। मतलब झुंझुना? यस। नहीं नहीं, मतलब कोई इलाज तो होगा ना। इलाज क्या? 303 ले लो। 303? लेकिन ये तो बता दो कहाँ ले लूं, सुसाइड कर लूं। बाबूजी ने आपको इतनी बार फोन किया, आपने उनका फोन उठाया क्यों नहीं? बहुत परेशान है, जरा बात कर लो ना प्लीज। तुमसे बात हो गई ना, ठीक तो है? हाँ बात तो हुई है। क्या है ना, अम्मा की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, शायद उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हो। अरे सर बुलाएंगे तो चलेगा ना, उसमें परेशानी क्या बात है, इसमें बात क्या करनी है। वैसे आज आप कहाँ बिजी थे इतना, बाबूजी का फोन नहीं उठाया? मुझे तो एक बार फोन भी नहीं किया आपने। वो ललन का वकील नहीं आया था, मैं उसी में बिजी था। तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज तक का सबसे अच्छा दिन। लॉन्ग ड्राइव पे गई थी क्या? नहीं, वही शॉपिंग करने गई थी। ये क्या? ये किसी ने दिया या तुमने खरीदा? नहीं, वो माया मिली थी ना, साथ में खरीदा है। माया कौन है? वो मेरे बचपन की सहेली है, आप नहीं जानते उसे। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उतार देती हूँ। तुम्हारी इच्छा है, उतारो चाहे तोड़ो। अच्छा चलो, खाना गर्म हो गया, आ जाओ। आगरा में एक औरत ने प्रेमी के लिए अपने पति के 36 टुकड़े कर दिए और फिर सारे टुकड़ों पर प्रेमी का नाम लिखकर उन्हें खा गई, जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। शोभा जी, यार एक बढ़िया चाय बना दो। अभी बनाती हूँ। अच्छा सुनो, अदरक डालू ना? हाँ हाँ, ठीक है वाली। कम डालना। तो मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। पहले हमारा पेपर सिर्फ सैटरडे को आता था, लेकिन अब हमारा पेपर संडे को भी आएगा, क्योंकि हमें संडे की भी स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। वो शर्मा जी की फोटो वाली बात। हाँ अरे फोटो वाली बात तो मैं बताना भूल गया, शर्मा जी आपके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए अब क्या है, अब सैटरडे संडे दो एडिशन आप लिखेंगे, उसके साथ हम आपकी फोटो भी छापेंगे। वाओ सुपर। अरे नहीं फोटो नहीं। अरे नहीं फोटो नहीं। अरे सर आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, आपकी वजह से हमारा पेपर चलता है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया आपको पहचाने, आप बाहर जाएं, लोग कहें ये देखो शर्मा जी। अरे बस ये प्लीज। खैर आप लोग जाइए एंजॉय करिए, हैं सैलरी बढ़ गई है अभी, जोश आना चाहिए, आप लोग तो ढीले पड़ गए। जाइए जाइए। ओके शर्मा जी, इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, आप सब समझ नहीं रहे। खैर आपकी वजह से तो मैं इतना इन्जॉय भी कर रहा हूँ लाइफ में। क्या क्या मतलब? आप तो ऐसे अनजान बनते हैं, यही तो आपकी ग्रेटनेस है सर।
मैं चलो सर, मुझे कुछ पर्सनल काम से जाना है बाहर। कहाँ ठहरे तुम? कुछ पर्सनल काम है, तब तक आप मोना के साथ बैठिए, कुछ सैटरडे संडे के एडिशंस तैयार कर लीजिए, ओके? और एक और चीज़, आने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके मोना, बाय। ओके सर, बाय, सी यू, टेक केयर। क्या सरप्राइज देगा ये, तुम्हें मालूम होगा? हाँ शर्मा जी, आजकल मुरली सर ना किसी माया नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। माया लो, आ गए। क्या बात है, ललन की जमानत हो गई? अरे यार, वो तुम्हारा वकील श्रीवास्तव आया ही नहीं है। भैया आज ये मामला निपटाना बहुत जरूरी है। अरे एक तो वो श्रीवास्तव फुनवा नहीं उठा रहा है, और दूसरा वो बुढ़िया हर 5 मिनट में आके पूछ रही है भैया जमानत हो गई। एक मिनट, मैं लगाता हूँ इस पगले को। हेलो श्रीवास्तव जी, कहाँ हैं आप? नहीं, हमारे ससुर आईसीयू में है, वही जा रहे हैं। अरे आईसीयू में तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, यहाँ तिवारी जी आपका कब से वेट कर रहे हैं। अरे आपका फोन नहीं लगा तो आपके ऑफिस की सेक्रेटरी मोना को फोन लगाया, उसको अपने ससुर के बारे में बताया, तो उसने कहा कि दूध के साथ छुहारा दे देना, और फोन काट दिया। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। एक मिनट मुझे बताओ, बात करिए। अरे श्रीवास्तव, ये कोर्ट आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। नहीं आएगा तो तुझे भी अपनी जमानत के लिए वकील करना पड़ेगा। अरे यार देख भाई, समझो मेरी। अरे चलो जल्दी चलो भाई, हमें 3 दिन बाद अपनी साली की शादी में जाना, और तू साले और तुम जमानत जमानत खेलो हमारे साथ। काट दिया, काट दिया। मेरा फोन है, अपना तोड़ी आप। अरे जमानत हो गई भैया, लो फिर आ गई। अरे तू तक तूतिया भी हो लिया है। हमारा भी वही हो लिया है। मतलब हो जाएगी जमानत, तब तक आप बाबुल की दुआएं लेती जाए बजवा लीजिए। बाबुल की दुआओं में तो हमारी पिताई हुई थी, वो तो दुखी सा गाना है, नाच कैसे होगा? तो फिर कैसे नाचेगा ललन? रिमिक्स पे भी हो सकता है। हाँ रिमिक्स बजवा लीजिए। हाँ हाँ ये ठीक है, ललन अच्छा नाचेगा उस पे है। अरे बेटा पैसे तो सारे लुटा दिए, और लगेंगे। आप ये रखिए, पैसे की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इतने दिए हैं। देखो भाई चौथा गाना ना बजवाना, अब पैसे खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा नाच रहा है हमारा ललन। चौथे के भी रखिए, एंजॉय करिए, बजाते रहिए। हाँ हाँ ज्यादा ना एंजॉय कराना, शाम को ट्रेन भी है, जल्दी करो भाई। ट्रेन तो हमारी भी है माता जी, अब क्या बताएं, पकड़ पाएंगे कि नहीं? सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन अगली बार मैं श्रीवास्तव जी को खुद लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। वाह सर, मैंने ये भी सुना है कि आपकी साली की शादी है। छोटी सी है। छोटी? अच्छा कब की ट्रेन है? अब ट्रेन तो है 27 तारीख, अवध एक्सप्रेस, 3rd AC, सीट नंबर 47 से 52। लेकिन साली वो सामने वाली बर्थ नहीं मिली। छोटी वाली साली के लिए काफी भरे पड़े हुए हैं। शादी के लिए सर ट्रेन की टिकट गई तेल लगाने, मैं आपको प्लेन में भेजूंगा। मुबारक हो। फ्लाइट में बैठेंगे कभी? नहीं, अब तो आप ही उड़वाएंगे। अरे जरूर उड़वाएंगे सर, बस आपको आज थोड़ा संभालना है, थोड़ा बैलेंस कर। जमानत हो गई भैया? अब अभी हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी अपने पैसों का, आपके नहीं। अभी लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। अच्छा भैया 7 बजे ट्रेन चलती है, उसमें अपना टिकट करवा लें। अब हम कहाँ बताएं मौसी, अब हम तो खुद ही बैलेंस हुए पड़े हैं। अरे खुश रहो, बैलेंस रहो। वो जमानत हो गई। मौसी आप जीप में चल के बैठिए, हम लल्लन को लेके वहीं आ रहे हैं। जल्दी आना बेटा। हाँ अच्छा बेटा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर फ्लाइट। ओ तिवारी, अबे 2 बार में जमानत हो गई यार, अबे हम तो सो रहे थे 3-4 बार में हो गई यार। ये वो तो शर्मा जी बीच में थे, वरना तेरी बहुत अच्छे से जमानत होती यहाँ पे। ओ भाई हमें सब पता है किसका क्या टाका चल रहा है, हमें मत समझा समझे। और तो छेड़ता रस्ते में हा? ऊपर से यहाँ पर ही अपनी दिखा रहा है साला। अबे फलों का खेल। अबे हमें सब पता है कौन कितने गहरे पानी में है। चल यहाँ से, शांत। डोंट बिहेव लाइक टॉम एंड जेरी, सेट इन जीप। चलो सही बोल रही है। चलो एक दिन में वहाँ पर भी सड़क पे मार रहे थे। सही मारा। चल अरे ललन भैया, बधाई हो बेटा, बधाई हो बहुत। अच्छा देख, सीतापुर पहुँचते ही मैं तेरे हाथ पीले करवा दूंगी। ठीक अम्मा। नहीं तो फिर तू किसी छोकरी को छेड़ देगा तो। सलाह में तो टेंशन हो रहा है, अवध एक्सप्रेस है, नहीं तो वो फैमिली है, 6-7 मेंबर जाएंगे। अरे आप उसकी फिक्र मत करिए, फैमिली मेंबर्स के नाम मुझे SMS कर दीजिए, टिकट पहुँच जाएगी आपको। अभी से प्लेन में बैठ गए क्या? अरे नहीं, वो तो हम थोड़ा
बेल्ट बांधने का प्रैक्टिस कर रहा है। अरे बेल्ट क्या है रे, उस चीज भी मिलेगी आपको, स्वागत करेगी आपका, एंजॉय करेगा। मुझे एसएमएस कर दीजिए। हो जाएगा, बैठाइए। ए लल्लन, अच्छा सुनो, ये जो दो ऐड अगरबत्ती के आए हैं वो शर्मा जी के कॉलम पे ही एडजस्ट होने चाहिए, ओके? लेकिन मैडम कॉलम में तो कोई स्पेस ही नहीं बचा है। स्पेस नहीं बचा है तो मैं क्या करूँ, कोई ऐड हटाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये ऐड शर्मा जी के कॉलम पर ही आना चाहिए। ऑलराइट, ओके मैडम, बैक टू वर्क। सॉरी शर्मा जी, बस एक क्वेश्चन का आंसर रह गया है, वो मैं फटाफट टाइप करती हूँ। 10 मिनट की मसाज के बाद 15 मिनट का रेस्ट। 15 मिनट का रेस्ट? शर्मा जी, ये 15 मिनट का रेस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, 10 मिनट कर दूं? क्या हुआ, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं लगते हैं। मोना, मोना, अभी तक जितने भी सेक्स संबंधी सवाल आए उनके जवाब जो भी मैंने दिया तुमने टाइप किए हैं। आई होप कि तुमने अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। थैंक यू सर। और ये काम अब तुम आसानी से कंटिन्यू कर सकती हो। प्लीज यू कंटिन्यू। बट सर, कैरी ऑन। शर्मा जी, सर आज सर मुरली जी का कॉल आया था, वो ऑफिस 4 बजे तक आ रहे हैं। ओके सर। बाजी प्रणाम। हाँ हाँ दामाद जी, अरे कैसे हैं? कल हमने आपको फोन लगाया लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। आप जितनी जल्दी आ सकते हैं प्लीज आ जाइए। क्या क्या हो गया? अरे शोभा ठीक ठाक है ना? कुछ नहीं, आप आ जाइए। भाऊजी, 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 प्रणाम। अरे धमा जी, अरे कहाँ रह गए थे, इतनी देर से यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। मतलब हमारे तो प्राण सूख गए, आपने इतनी अर्जेंटली फोन करके बुलाया। अब ये तो बताइए, घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? शोभा वगैरह सब ठीक ठाक है ना? आप शोभा शोभा करें, आप ये पूछ रहे हैं मैं ठीक हूँ कि नहीं? नहीं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप बताइए शोभा कैसी है, मतलब सब ठीक ठाक है ना? हम घबराए हुए हैं। भाऊजी आपने यहाँ पूछ लिया पूछ लिया, लेकिन प्लीज गाड़ी में ना पूछना, मेरा दिमाग कतई काम नहीं कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। दामाद जी, अरे अब तो घर भी आ गया, अब तो कुछ बोलिए हैं? अरे रास्ते भर आपने एक शब्द भी नहीं बोला, एक भी बात तुमने नहीं बताई, मेरा जी धार धार कर रहा है। अरे कुछ तो बताओ बेटा, क्या है क्या नहीं है? अरे शोभा ठीक तो है ना? अरे दामाद जी कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बताइए आप। अरे बाबूजी, आप अचानक से, सब ठीक तो है? अम्मा जी की तबीयत? नहीं वो तो, शोभा बेटा तू तू तो ठीक है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, शर्मा जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ बाबूजी। दामाद जी अब तो कुछ बोलिए। अब बोलता हूँ बाबूजी, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। शोभा तुम्हारी अपनी फ्रेंड माया के साथ शॉपिंग हो गई? नहीं वो ये माया कौन है? इनके बचपन की फ्रेंड है, आप तो जानते ही होंगे। शोभा बेटा ये माया नाम की सहेली कोई तुम्हारे बचपन में थी? मुझे तो याद पड़ता नहीं। बाबूजी वो मेरे स्कूल में थी। स्कूल? स्कूल की फ्रेंड है भाई? हाँ स्कूल की फ्रेंड है। शॉपिंग हो गई ना उसके साथ आपकी? हाँ बाद में वो घर पे भी आई थी। अच्छा शर्मा जी क्या बात है? शोभा मेरे पीछे से माया के अलावा कोई और भी आया था घर में? बोलिए। नहीं कोई नहीं आया था। सोच के बताओ, शायद कोई आया हो। नहीं बिल्कुल नहीं। दिमाग पे जोर दो। शर्मा जी क्या बात है? अरे भाई मतलब हमें भी कोई कुछ बताएगा भाई, कौन माया, कौन आया, कौन गया? दामाद जी कुछ तो बताइए ना, मतलब शोभा बेटा ये हो क्या रहा है ये सब? बताता हूँ शोभा, ये हिडन कैमरा है, ये मैंने यहाँ छुपा के रख दिया था। बाबूजी मुझे कई दिनों से शंका हो रही थी कि शायद कुछ गड़बड़ है,
कि मेरे पीछे से शोभा किसी से मिलती है तो मुझे ये हरकत करनी पड़ी। इनकी सोकॉल्ड माया और मेरा हर दिल अजीज दोस्त फास्ट फ्रेंड मुरली ही माया है। वो इस घर में आता है मेरे पीछे से। ये दोनों जो जो भी करते हैं वो इस कैमरे में रिकॉर्ड है। मुरली ने इनको एक से एक कीमती हार, एक से एक कीमती गिफ्ट दिलाए हैं और न जाने क्या 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 हरकतें किया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। शोभा तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? बिल्कुल नहीं। अरे दामाद जी, मतलब चंदू बेटा मैं कह रहा था कि घर में ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं, कौन आता है कौन जाता है। छोटी मोटी बात नहीं है बाबू जी, छोटी मोटी बात नहीं है। आप सच सच बताइए कि आपको अपनी बेटी के चरित्र के बारे में नहीं पता था? जो लड़की शादी के बाद ऐसा कर सकती है वो शादी से पहले कैसी होगी ये आपको नहीं पता था? इस कदर आपको सब पता था, आपने जानबूझकर इसको मेरे मथे मारा है। आपके संस्कार मुझे पता है कैसे हैं। जो इस उम्र में बाप बनने की सोच सकता है उसकी बेटी कैसी होगी? आप एक काम कीजिए, सुबह सवेरे की पहली गाड़ी से अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाइए। बस मैं और अरे दामाद जी क्या बात कर रहे हैं? अरे दामाद जी, अरे सुनिए, अरे शोभा, शोभा, अम्मा, अम्मा, अरे थैंक यू तो इनको कहिए। वो क्या है कि मेरी तो गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने कहा कि जमानत तो भाई आज ही होनी चाहिए। अरे अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके ना वो यहाँ आ गए। देखिए मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि इनकी रिहाई जो है वो जल्दी करवा दूं। और फिर आपको सीतापुर भी तो जाना है इनको लेके। हाँ, हाथ पीले करने हैं मैंने इसके। तो आप हीरो बनते जा रहे हैं? अरे सर, अरे ये किसी हीरो से कम थोड़े ही है। हाँ वो जज साहब है ना पटेल हाईकोर्ट के, उनकी बेटी से इनकी एंगेजमेंट थी, उसको पोस्टपोन करा करके ये आप लोगों के पास आए हैं। एक्चुअली मैंने अपनी एंगेजमेंट कल पे शिफ्ट करवा दी, और अगर नहीं करवाता इनकी रिहाई नहीं होती तो फिर शर्मा जी को तो आप जानते ही हैं, मतलब आते ही नहीं वो तो एंगेजमेंट पे। हाँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर तिवारी जी जरा ही ना, जरा मुझे लगता है टिकट हो गई है। टिकट, टिकट का है? मुझे लगा हो गई वो फीस। अबे क्या बात कर रहा है, इसने हमारे चक्कर में एंगेजमेंट आगे बढ़वा दी। हाँ देखो वाह। अम्मा एक बात बताएं, जरूरी नहीं कि जो दिखता है वो सही हो। नहीं ऐसे नहीं कहते बेटा, आदमी बहुत अच्छा है। अरे बहुत भोली है अम्मा, यही तो हम भी कह रहे हैं। चलो भाई बैंक भिजवाओ। अरे शोभा बेटा, हम ये कह रहे थे कि एक बार जाते जाने से पहले दामाजी से मिल लेते। अरे शोभा बेटे, ये आवाज इतनी दूर से कहां से आई थी? आपके दामाद को थप्पड़ मार के आई है? अरे शोभा बेटा जल्दी बैठो, जल्दी बैठ 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 बैठ, निकल लो गुरु जल्दी। सच्ची में दामाद नाम का प्राणी जो है ना बहुत कमीना होता है। बताओ ये व्यवहार करना चाहिए उसको? हमारे साथ लाओ बेटा, आ जाओ, पैसे दामाजी से ले लेना, बहुत कमीना है वो। आओ बेटा चलो। शर्मा जी, अरे शर्मा जी कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूं मैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे। और भाभी कहाँ है? भाभी, अरे भाभी को भी कितने फोन किए, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शर्मा, मैं समझ गया आपकी नाराजगी। अरे मैं लल्लन की जमानत करके ही यहां पर आ रहा हूं।
शर्म क्या? अच्छा भाभी के साथ झगड़ा हुआ है ना, तो एक काम करो भाभी को यहाँ बुलाओ। शर्मा जी मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ आपके लिए। हाँ क्या हुआ? मेरे पास भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? देख ये क्या है शर्मा जी, मैं यहां पर आपको सरप्राइज देने के लिए आया था और आप इसे सरप्राइज कहते हैं? मेरे और भाभी के रिश्ते को इस तरह देखा आपने? अरे बहुत ही गंदी सोच है आपकी। और हां आपकी सोच गंदी क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरे पेपर पे गंदे गंदे कॉलम लिखते लिखते आपके दिमाग में भी गंदगी भर गई है। और जिसके दिमाग में इतनी गंदगी हो ना, उस इंसान से मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं जा रहा हूं। मुरली एक मिनट। थैंक यू, मुझे भी आपसे कोई वास्ता नहीं रखना। ये मेरा रिजिग्नेशन। क्या बात है, आज तो आप सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हैं, लेकिन आप हकीकत जानने की कोशिश नहीं कर रहे। भाभी से आपने कुछ पूछा नहीं होगा और मुझसे भी आप कुछ नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। मैं यहां पर आपको अपनी एंगेजमेंट पे इनवाइट करने के लिए आया हूं, जिसको मैंने कल पर पोस्टपोन किया, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि आप चाहते थे कि ललन की जमानत हो। और मैं अभी ललन की जमानत करके ही यहां पर आया हूं ये बताने कि कल मेरी एंगेजमेंट है, और आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? ये कचरा? जानना चाहेंगे इस फुटेज के बारे में? तो सुनिए, आज मेरी एंगेजमेंट थी जिसके बारे में सिर्फ भाभी को पता था, इसीलिए मैं भाभी के साथ जाकर शॉपिंग कर रहा था अपनी एंगेजमेंट के लिए। और फुटेज में क्या देख रहे हैं आप कि मैं भाभी के गले में हार पहना रहा था? अरे वो हार मैंने माया के लिए खरीदा था, ताकि उसको एंगेजमेंट के दिन सरप्राइज दे सकूं, इसीलिए वो हार मैंने आपके घर पे छुपा कर रखा। छोड़िए शर्मा जी, आप ना उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन सोच में बहुत छोटे। ठीक कह रहा, बहुत छोटी सोच है मेरी, पर इन सब की जड़ वो कमबख्त ललन है। ललन? हाँ यार, उसने भेगा दिया मुझे, उसने तेरे खिलाफ बहुत कान भरे मेरे, और मैं बेवकूफ आदमी उसके कहने पे आ गया, पता है? ये सब सच समझ बैठा, अब समझ में आ रहा है शोभा ने मेरे गाल पे तमाचा क्यों मारा, थप्पड़ मारा उसने मेरे गाल पे, यार अब समझ में आया। बर्बाद हो गया मैं, तुम तेरी एंगेजमेंट हो गई, मेरा घर टूटा तो टूटा, लेकिन तेरा घर बसेगा मेरे भाई। एक बात कहूँ शर्मा जी, आप तो डायलॉग भी बहुत अच्छा लिखते हैं यार, इसका भी करवाएंगे कुछ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ। अरे ये मजाक है, आप दोनों के बिना मैं एंगेजमेंट कैसे करूँगा? आप दोनों का होना बहुत जरूरी है। पर भाभी है कहाँ पर? झुकने का नाम न ले, आंसू रुकने का नाम न ले, दिल पे कैसा बोझ है ये, धड़कन बढ़ने का नाम न ले, गलत फहमियों ने ये क्या कर दिया, गलत फहमियों ने ये क्या कर दिया, बेवजह है दो दिलों को जुदा। कुछ मशगूल रही,
तिवारी जी, मैं मुरली बोल रहा हूँ। अरे मुरली भैया बोलिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, हमें प्लेन की टिकट मिल गई है, फैमिली सहित उड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुरली भैया। हाँ ठीक है, मुझे पता है, एक काम करिए, बहुत अर्जेंट है। शर्मा जी के ससुर और उनकी वाइफ लापता है, उनकी रिपोर्ट लिखवाइए, उनको ढूंढना है, बहुत अर्जेंट है। मुरली भैया, कल एयरपोर्ट खुद हमारी छोटी साली हमें लेने आ रही है। आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी वापसी की भी टिकट करवा दूंगा। मुरली भैया, मुरली भैया देखो, काट दिया। अरे वापसी की टिकट तो तब होगी जब हम जाएंगे। अरे भैया जी, सीतापुर जाके ना भूल मत जाना, चिट्ठी लिखते रहना। चिट्ठी क्या, व्हाट्सएप करेंगे भैया जी। अबे हो गया तुम लोगों का, तुम लोग भी साथ में चल लो। क्या बात कर रहे हो, और क्या, तुम्हारे बिना थोड़ी लल्लन के हाथ पीले करूंगी। अरे कमीनो, हमसे पहले बैंड पहुंच गया। अभी से बैंड? ओ भैया, आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। शादी है भैया जी की, बैंड तो बजे गई। और अम्मा सामने बैंड और भैया जी नागिन डांस ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? जा ले, आज तो तू लेट के फुंकार मार अपने बाऊजी की तरह। ठीक है अम्मा। लेकिन सुन, तेरे बाऊजी एक बार लेटे ना, फिर उठने का नाम ही नहीं लिया, सीधे उठ गए। तू उठ जरूर जाना मेरे लल्ला। अरे टेंशन मत लो अम्मा, अबे बजाओ बे, बजाओ नाच गान, बजाओ बजाओ। बंद करो। अरे कौन है? ओ भाई क्या हो गया, हमारी पुकार पसंद नहीं आई क्या? क्या हुआ भाई साहब, आपको मेरे लल्लन का डांस पसंद नहीं आया? बहन जी, बात दरअसल ये है कि जो बेटी अपने बाप से ये कहकर गई हो कि हम अभी आते हैं और ना आए, उस बेटे के बाप को ये सब नाच करना कैसे अच्छा लगेगा? ओ भाई, हमने नहीं गायब करी आपकी बेटी, हमें मत बोलो, हमें नहीं गायब मत बोलो। लल्लन बड़ा गंभीर मामला लग रहा है, एक मिनट बताइए भाई साहब, विस्तार से बताइए, आपकी बेटी कैसे भागी? भागी नहीं है। अच्छा भागी नहीं है भाई? हाँ। क्या है कि वो शहर में एक अखबार है ना झुंझुना, उसमें जो कॉलम लिखता है ना शर्मा। हाँ शर्मा जी सब जानते हैं। मेरा दामाद है। अरे वाह, तो आप रो क्यों रहे? पता नहीं किस करम जले ने हमारी बेटी दामाद के घर में माचिस लगा दी। अरे इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे उसके। सच में ऐसे लोगों के कीड़े ही पड़ने चाहिए, मर जाएं। अरे नहीं अम्मा, आप काहे गाली दे रहे हो, आपको क्या मालूम कौन सा था? हाँ हाँ बोलो भैया, आप बोलो। हमारे दामाद ने नाराज होके हमारी बेटी को और हमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। राम राम। तो हम दोनों अपने गांव जाने के लिए यहाँ पर आए, और मेरी बेटिया ने कहा कि पापा तुम यहाँ बैठो, हम अभी आधा घंटे में आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो, कोई बात नहीं, आकर कहीं गई होगी काम से। घंटों बीत गया, अभी तक उसका कोई पता नहीं। ओ चंपू चुन्नू, जाके देख के आओ, रेल की पटरी में कहीं कटी पड़ी ना हो। अरे नहीं भाई साहब, रो ना, तुम लोग चाचा का ध्यान रखो। अम्मा एक मिनट यहाँ आओ। क्या है बेटा? मुझे लग रहा है ये हमारी वजह से हुआ। अरे ना बेटा, तूने तो उसकी छोरी का सिर्फ हाथ ही पकड़ा। अरे समझा करो अम्मा, नहीं ये ट्रेन कैंसिल करो बस। ना ना ना, कम्मो के बाबूजी कहीं और रिश्ता कर देंगे तो। अरे तो कोई बात नहीं, हो उसका बदनसीब, इसकी मदद करते हैं। आओ अम्मा आओ प्लीज। एक्सक्यूज मी चाचा, ऐसा देखो देखो देखो, आप टेंशन मत लो। हाँ। हम आपकी मदद करेंगे। लल्लन ढूंढेगा आपकी बेटी को, चलो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये फाइनल है। अरे चाचा और कितना रोगे, देखो रो नहीं आप, आप लोग हम आपकी मदद नहीं करेंगे, चुप एकदम चुप, बिल्कुल चुप प्लीज। ओ ललन भैया, वो देखो मुरली और शर्मा जी तो हो रहे। सर इनको कहीं देखा है आपने?
नहीं भैया, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे किसकी फोटो लेके घूम रही है ये? देखा देखा, जरूर मेरी बेटी को छोड़ के अभी किसी और लड़की का फोटो लेकर उसको ढूंढ रहे होंगे। मैडम, इनको कहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे मैं तो कहता हूँ कि जिसने मेरी बेटी के घर में आग लगाई उसके कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अरे कीड़े उसे नहीं पड़ेंगे, वो कंबक जाके कीड़ों में मरेगा, जाके कंबक नाश। अरे मुझे मतलब ये ऐसा क्यों कह रही हूँ अम्मा, आपने देखा थोड़ी है किसने क्या किया? नहीं प्लीज अम्मा, नहीं। भैया जैसा है कि तुम लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो, हम इसकी रिपोर्ट लिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं तो सूरत तक नहीं देखना चाहता। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा करो इनको खबर कर लो, अभी ऐसा आ जाओ, आओ आओ हमारे पीछे आओ, तुम पर आओ, ऐसा आ जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कैसे कवर किया है? अरे भैया हम भी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, मिल तो जाएगी। तिवारी जी, तिवारी जी कहीं छुप जाइए, वो ललन फिर आ रहा है अपनी टीम के साथ, और इस बार तो एक बुड्ढे को भी साथ लाया है। आइए आइए आइए। दामाद होना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है दरोगा जी, गुनाह तो ससुर होना है। दामाद तो बेइज्जती करता है बाप जैसे ससुर की और उसकी बेटी की। नहीं, हर दामाद एक सा नहीं होता पापा, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अरे तिवारी जी अपने पे क्यों ले रहे हो, आप तो इनकी रिपोर्ट लिखो ना। देखिए इनकी बेटी गायब हुई है और इसकी वजह है इनका दामाद। हाँ। लल्लन ये एक नया लफड़ा है तेरा, क्या राय था पहला रखा है तूने? एक बात सुन ले, यदि मेरा दिमाग फिर गया ना, दिमाग खराब हो गया, तो इस थाने को ताला लगा के अपनी साली की शादी में चला जाऊंगा। अब मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना, आप जाइए, आप जाइए, जाइए। अरे ओ चाचा, क्या मामला है यार, और क्या मौसी, वो सात वाली ट्रेन नहीं पकड़नी है क्या? वही तो पकड़नी थी, पर ये मिल गए स्टेशन पे रोते हुए। बताओ भैया, बताओ यादव जी को, बताओ। दरोगा जी, वो जो शर्मा जी है ना, जो झुंझुना में लिखते हैं, हमारे दामाद हैं, बहुत अच्छे आदमी है। अरे बहुत कमीना आदमी है, बहुत कमीना आदमी है। अरे किसी कमीने ने हमारी बेटी और दामाद के बीच में आग लगा दी है, अफवाह फैला दी कि हमारी बेटी और किसी मुरली के बीच में इलू इलू चल रहा है। बताओ कैसे बस लोग होते, इसी बात पर दामाद ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। अरे हमारी बेटी हमको स्टेशन पर छोड़ के ये कह के गई कि हम अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, मगर अभी तक नहीं आई। आएगी आएगी लल्लन। दरोगा जी हम छोड़ेंगे नहीं उसको, नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, मत छोड़िए, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों मारा? आपको अपनी साली की शादी में जाना है ना। तिवारी जी मेरे लल्लन को क्यों मार रहे हैं? उसे मारिए ना जिसने इनकी बेटी के जीवन में आग लगाई है। अरे अम्मा बहुत भोली हैं आप, हम तो पहले थप्पड़ में ही समझ गए थे हमें क्यों मारा, लेकिन आदत से बेशरम इसलिए बोल रहे। अब ऐसा है भैया, देखो बहुत हुआ सम्मान, इनकी रिपोर्ट लिखाओ और आप तो साली की शादी में जाओ। सो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ फादर एंड बिटर इन लॉ, व्हाट द हेल इज द गोइंग ऑन द रिलेशन द सोसाइटी एंड द हेल। बहुत सही कह रहे हैं आप, आइए। लल्लन समझ गया इंग्लिश, भगवान आपको सब इंस्पेक्टर बनावे। हमारी बिटिया ले जाइए, ले जाइए, आइए तिवारी जी। एक शर्मा, एक मुरली और एक शोभा भाभी, पूरे गांव को हिला रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये दरोगा तुम्हें मार काहे के लिए रहा था? अरे रहने दो चाचा, आपको पता चलेगा ना तो आप भी धोओगे मुझे। अरे ललनवा ऐसा क्या कर दिया? ना अम्मा ना पूछो ही मत, वरना आप भी धोने लग जाओगी। अरे सुधर जा लल्लन, सब तुझे धो रहे, ऐसा क्या कर्म कांड करे जा रहे तू है? क्या हुआ, बात हुई? ये फोन नहीं उठा रहा है, उसे फोन लगाना बहुत जरूरी है, वरना वरना तुम्हारे पापा नाराज हो जाएंगे। मम्मी क्या करूं, वो फोन तो उठाए। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी से किसी भी तरह उसे फोन लगाओ, सारे गेस्ट आ चुके हैं। देखो तुम उसे बात करने की कोशिश करो, मैं तब तक तुम्हारे पापा को संभालती हूँ, ठीक है? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो मुरली, जब सगाई करनी ही नहीं थी तो मेरे परिवार का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? माया मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ। तुम्हारे लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है, कल भी तो तुम्हारे लिए किसी लफंगी को छुड़ाना मुझसे ज्यादा जरूरी था, आज भी कोई जरूरी होगा। माया मेरी बात को समझो। बस मुरली, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। माया तुम्हें जाना चाहिए,
लेकिन शर्मा जी भाभी जी के बिना? तुम्हारी भाभी होती वो भी यही कहती। मुरली, अपने को खोने का काम बहुत गहरा होता है। अगर तुम नहीं गए तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगा ना, डांस पे करूंगा। तो देर किस बात की, आइए चलिए। चलो आओ, आइए आइए। अरे बिल्कुल जी जी जी, नमस्ते, मुबारक। अरे वेलकम, नमस्कार। बड़ा अच्छा अंजाम दिया जी, कमाल है जी। आप माया को देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, घर की बात है। और अंदर जाओ और माया को संभालो, जाओ। हाँ, मैं माया, मैं जाओ, तुम जाओ प्लीज। और आपको भी डांस करना? हाँ, अभी डांस भी करना है। इनको डांस करवाना है? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करें। मैं माया के, तुम जाओ, बिल्कुल बेफिक्र, गॉड ब्लेस यू। माया, I'm really sorry। देखो, मैं तुम्हें किसी भी तरीके का दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तुमको पता है मेरी लाइफ है ना, वो फिल्म की तरह चल रही है, कभी खुशी कभी गम। मतलब मुझे, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं खुश रहूँ या दुखी रहूँ। I'm sorry माया। मुरली, क्या मैं तुम्हारी दुख की वजह हूँ? क्या बोल रही हो तुम मेरे दुख की वजह कैसे हो सकती हो? I know तुम मुझसे नाराज हो। I am really sorry for yesterday। देखो मुरली, मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशियां देखती हूँ। मेरा पूरा परिवार तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों लगता है कि तुम आ तो गए हो लेकिन अधूरे। You're right। अधूरा तो मैं हूँ, लेकिन उसका एक रीजन है। क्या? एक आदमी। कौन आदमी? आओ तुमको बताता हूँ। तुम वो इंसान को देख रही हो वहां पे जो डांस कर रहा है? वो डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन रिदम में नहीं कर रहा है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो गाना नहीं सुन रहे। मैं चाहता हूँ कि वो आदमी खुश रहे। मैं समझ गई, और अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ, आओ। तुम आज के दिन मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, और मुझे सरप्राइज तो पहले ही मिल गया। मैं, ये हार यहाँ पे, इसका मतलब शोभा भाभी यहाँ पर आई थी? वो यहाँ पे आई थी ये हार देने के लिए, लेकिन जब उनके शहर छोड़ने की वजह जानी तो उसमें तुम्हारा नाम शामिल था, और जहाँ तुम्हारा नाम शामिल हुआ वहाँ मैं कुछ गलत कैसे होने दे सकती थी, तो बस मैंने उन्हें रोक लिया। अरे लेकिन वो है कहाँ पर? वो रही। Oh my God। भाभी, आपको हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वेरी सॉरी मुरली, देखो ना, इनको सबक सिखाने के चक्कर में आपको परेशानी हुई, बुरा मत मानना प्लीज। No। लेकिन एक बात कहूँ भाभी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो क्लाइमेक्स है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जरूर। चले We'll be right back.
तुम? हाँ मैं ही हूँ शर्मा जी। मुझे पता है शोभा तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। माफ कर दिया है मैंने। हैं सच में? अभी लिख के दूँ आपको? अरे लीजिए आपकी बेटी, आप इतना रो रहे थे, देखिए आपकी बेटी मिल गई, बधाई ना। कितने परेशान थे। अरे बेटा तुम कहाँ चली गई थी, हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अब सब ठीक। अच्छा 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 सॉरी। अरे यार अम्मा आपने इनके चक्कर में मेरी शादी सुनीता से करवा दी। तो क्या हुआ, पसंद ना आई? कितनी प्यारी तो है। अरे पुलिस वाली है, जब चाहे डंडे मार देगी। खा लियो ना, चुप, खा लियो ना दो चार डंडे। ना जी ना, नहीं मारूंगी। लल्लन संभल के रहियो बेटा, हमारी पार्टी की है, ज्यादा छिछोरापन मत करियो नहीं तो बहुत कूटेगी। और मेरे को रिपोर्ट मिली तो थाने में बुला के मैं पिटूंगा फिर। ओ, ये मेरे से डर के रही हो? अच्छा छोड़ो ये, ऐ शादी किसकी हो रही है? मतलब शादी नहीं हो रही है, ये अपना मुरली है ना, सगाई हो रही है उसकी। अम्मा अम्मा यहाँ तो नागिन डांस बनता है। अपनी ड्यूटी तो खत्म हो गई, ऐश करो। दुनिया है सर्कस और जोकर है सारे, कुछ अकलमंद कुछ अकल के मारे। बने कोई यहाँ हीरो बने, सियाने